Hello students, myself Pratesh Jagir, team physics, CLC seeker. आपका टेक्नो का ये जो पेपर है, आशा है बहुत अच्छा हुआ होगा. इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. देखो ये कह रहा है, जब एक वस्तु भू संपर्कित मतलब अर्थ की जाती है, तब पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन वस्तु में आ रहे हैं. तो देखो, अर्थ जो होती है उसका पोटेंशियल जीरो होता है, तो वो दोनों टाइप के आवेश को जो है वो खुद एक्सेप्ट कर सकती है. तो अगर अपने पास एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, उसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली यहां से इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होंगे. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से किसके अंदर जाएंगे, वस्तु के अंदर. तो डेफिनेटली ये इसको क्या कर देंगे, इस नेगेटिव चार्ज को खत्म कर देंगे, तो वस्तु जो है वो क्या हो जाएगी, अनावेशित हो जाएगी. तो इसका आंसर आ गया फर्स्ट. ओके, नेक्स्ट. ओके, सेकेंड क्वेश्चन. देखिए, किसी निश्चित बिंदु आर के साथ विभव का परिवर्तन बताया गया है, आर इक्वल टू फाइव पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर इक्वल टू फाइव पर आपको चाहिए. ठीक है, तो पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक और पोटेंशियल में अगर अपन देखें तो ये रिलेशन होता है माइनस डीवी अपॉन डीआर. अब डीवी अपॉन डीआर को अपन क्या बोल सकते हैं, जो है स्लोप ऑफ वीआर कर्व. वीआर कर्व जो है उसका ढाल बोल सकते हैं, स्लोप बोल सकते हैं. अब R इक्वल टू फोर से सिक्स तक स्ट्रेट लाइन है, तो R से सिक्स तक इसका जो है स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. अपने को फाइव पर पूछा तो अपन ये यूज कर लेते हैं ट्रायंगल. लेकिन इसका इंक्लिनेशन, इसका जो है झुकाव किधर है, लेफ्ट साइड की तरफ, तो इसका जो ढाल आएगा वो नेगेटिव आएगा. ढाल नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा. अब स्लोप अपन देखें डीवी बाई डी आर इसका, तो यह आएगा माइनस क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ये तो आपके पास है पांच विद नेगेटिव, पहले लिख देता हूं, अपॉन टू. तो ये आ गया माइनस का 2.5 वोल्ट पर मीटर. तो जब ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 2.5 वोल्ट पर मीटर, ये आपका आंसर होगा. ठीक है, अगर ये सेंटीमीटर में है ये, तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा, 2.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर विद पॉजिटिव साइन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी इसी के ऊपर बेस्ड है. तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए. ओके, तो यहां पर केवल मैग्नीट्यूड के बारे में दिया गया, सभी पॉजिटिव है, तो केवल मैग्नीट्यूड आपको देखना है. तो वापस वही फॉर्मूला यूज करेंगे अपन. देखो यहां पर E इक्वल टू अपन यूज करेंगे V अपॉन डी. ठीक है, V या पोटेंशियल डिफरेंस dV या डेल्टा V, और इनके बीच की डिस्टेंस. तो कोई भी दो लाइनें अगर अपन ले तो इनके सबके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है वो 10 का आ रहा है. ठीक है, लेकिन यहां पर ये जो डी होती है ये हमेशा होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस. जो भी सम विभव पृष्ठ है उनके बीच की लंबवत दूरी होती है. तो यहां पर लंबवत दूरी के लिए अपन क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर बनाते हैं इस पर. ये एंगल 30 आएगा, ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई. तो अगर इस डिस्टेंस को अपन कैलकुलेट करें तो ये डिस्टेंस आपकी आ जाएगी, देखो साइन ले लेता हूं, साइन 30, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लंबवत दूरी बटे ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर. तो ये आ गया 1/2, और आर परपेंडिकुलर बाय 10, तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर. ठीक है, अब ई बराबर अपन लेते हैं, दो के बीच में डिफरेंस है 10 का, 10 अपॉन डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर. तो या तो 2 वोल्ट पर मीटर आएगा या इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो ये आ जाएगा आपका 200 वोल्ट पर मीटर. ओके, तो इसका आंसर हो गया 200 वोल्ट पर मीटर के इक्वल. ठीक है, मीटर के अंदर, और सेंटीमीटर में होता है तो 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर आ जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है अपने को, और इकाई क्षेत्रफल है, यूनिट एरिया है, एक्स वाई प्लेन में रखा है. तो अगर एक्स वाई जेड प्लेन में, सॉरी, तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई, ये जेड. और अगर आपका एरिया इस प्लेन में रखा है यूं, तो इसका यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्ट, ये जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन आएगी अलोंग द एक्स एक्सिस. तो इसका एरिया अगर वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो अपन लेंगे 1 i कैप. फिर फ्लक्स अपन जानते हैं, फ्लक्स इक्वल टू होता है ई डॉट ए 10 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप डॉट 1 i कैप.
तो आई को आई से किया, 10 आ गया, बाकी सब जीरो होंगे, तो ये आ जाएगा आपका 10 यूनिट के इक्वल, ठीक है, जो भी यूनिट होती है इसकी, एम के सी जी एस, वो तो 10 के इक्वल आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ए और बी, इन पर आवेश एक पर पॉजिटिव है और एक पर नेगेटिव। जब पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच में जीरो नहीं होता, ये उनके आउटसाइड उसी मिलाने वाली रेखा पर बाहर की तरफ होता है, लेकिन किधर, जिधर कम परिमाण का जो है वो आवेश होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसकी तरफ, तो मैग्नीट्यूड इसका कम दिख रहा है। तो यहां पर देखिए आप, ये आपके पास है माइक्रो, तो है ही, लिख लेंगे बाद में, तो ये 8 माइक्रो कूलाम, दूसरा है -2 माइक्रो कूलाम, इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहां पर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो यहां पर फोर्स की वैल्यू भी, किसी चार्ज, कोई चार्ज रखोगे तो उस पर फोर्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, जीरो। मान लेते हैं ये यहां से अपन ने एक्स डिस्टेंस पर रखा, तो यहां पर अगर अपन देखें इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा या जो फोर्स लगेगा इस चार्ज के ऊपर, ये नेगेटिव है, इस साइड में लगेगा, इसके कारण इस साइड में लगेगा, तो दोनों के मैग्नीट्यूड, अगर डायरेक्शन तो अपोजिट है, अगर मैग्नीट्यूड इनका परिमाण भी समान हो गया तो इनका परिणामी बल कितना हो जाएगा, जीरो। तो अपन सीधा ही परिमाण, क्योंकि दिशा तो डेफिनेटली जो है वो अपोजिट आएगी आएगी। तो पहले अपन टू वाले के कारण देखें, तो टू माइक्रो है तो माइक्रो ही रहने देता हूं, इंटू क्यू के अपॉन, ये डिस्टेंस हो गई एक्स स्क्वायर, एक्स आ गई। इसके कारण देखें, के आवेश 8 माइक्रो कूलम, इंटू ये आवेश आपका क्यू माइक्रो कूलम, और ये डिस्टेंस हो गई आपकी 20 प्लस एक्स और इसका स्क्वायर। तो ये देखो, बाकी यहाँ पर के से के कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू हो जाएगा, वहां बचेगा 4, तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4 अपॉन 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो यहां पर रूट कर दें अपन, 1 बाई एक्स, 2 20 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 20 प्लस एक्स इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास, ये जो डिस्टेंस x मानी है अपन ने, ये वाली डिस्टेंस अपन ने मानी है कौन से आवेश से, माइनस, मतलब ये बी वाले आवेश, ये आपको ए दे रखा है, तो यहां से राइट साइड में, बी के राइट साइड में, ठीक है, तो बी के 20 सेंटीमीटर राइट ऑफ बी, तो यहां पर ये आपका आंसर हो जाएगा 4th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है विद्युत बल रेखाएं जो है उनके बारे में, ये कभी चालक में प्रवेश नहीं करती, बिल्कुल सही है, चालक के अंदर, चालक को दिया गया आवेश हमेशा कहां पर होता है, उसके पृष्ठ पर होगा, तो हमेशा आउटवर्ड या इनवर्ड जो भी है, लेकिन इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो यहां पर कोई इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं होंगी, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती, बिल्कुल सही है, क्योंकि जहां काटेंगी, मान लो यहां इन्होंने काटा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होनी चाहिए, एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, तो ये भी सही है, ये कभी बंद लूप नहीं बनाती, बिल्कुल सही है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही होती है हमेशा ये, ठीक है, ये होंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं होंगी, तो ये भी सही है, क्योंकि अगर देखो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर मान लो आपने नेगेटिव से पॉजिटिव तक ले गए, तो एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया, एक चक्कर पूरा हो गया, और विद्युत क्षेत्र जो है वो एक संरक्षित क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र में एक पूरे चक्र में किया गया कार्य कितना होता है, जीरो होता है, लेकिन अगर यहां पर अपन जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र इधर है तो भी कार्य होगा, इधर है तो भी कार्य होगा, तो ये पूरे एक चक्र में किया गया कार्य जीरो नहीं होगा, जबकि विद्युत क्षेत्र में एक चक्र में किया गया कार्य जीरो होगा, इधर पॉजिटिव वर्क इधर नेगेटिव वर्क, तो यहां पर टोटल वर्क कितना आ जाएगा, जीरो, इसलिए हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं होती, तो ये तीनों स्टेप्स आपके सही है, इट मीन्स इसका आंसर जो आएगा वो कौन सा हो जाएगा, 4th इसका आंसर होगा। ओके, लेट नेक्स्ट, हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर इस पे चार्ज चाहिए, फोर्स चाहिए इस रोड के कारण, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर कैपिटल क्यू, ये एक एज ए पॉइंट चार्ज अपन लेते हैं, क्योंकि पूरी रोड के अपन पॉइंट चार्ज, कूलाम का जो नियम लगता है वो बिंदु आवेशों पर पॉइंट चार्ज पर लगता है, तो ये तो आपका पॉइंट चार्ज है,
ये नहीं है, तो इसको एज ए एलिमेंट बहुत छोटा पॉइंट चार्ज की तरह ले लेते हैं। मान लेते हैं ये एलिमेंट यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर है और इस एलिमेंट की खुद की लेंथ जो है वो डी एक्स के इक्वल है। पहले इस पर अगर चार्ज देखें तो ये आएगा डी क्यू इक्वल टू यूनिट लेंथ पर क्यू बाई एल और डी एक्स पर ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में फोर्स देखते हैं तो ये आएगा डी एफ इक्वल टू के लिख रहा हूं एक बार, बाद में वैल्यू पुट करेंगे अपन, तो डी क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं के क्यू क्यू डी एक्स अपॉन एल एक्स स्क्वायर। अब कुल बल चाहिए तो एक्स के रेस्पेक्ट में होगा तो बाकी अपन सबको बाहर ले लेते हैं, वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए यहां पर एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिमिट अपने को रखनी है एक्स, एक्स माना क्या है एलिमेंट और इस पॉइंट चार्ज के बीच में डिस्टेंस, तो वो कहां से कहां तक बदल सकते, एलिमेंट तो इस रोड के अंदर आएंगे तो यहां से इससे पहले तो कोई एलिमेंट होगा नहीं, तो अगर इस एलिमेंट को मैं यहां ले आता हूं तो ये डिस्टेंस जो है वो डी के इक्वल हो गई, जब यहां ले जाऊंगा तो ये डी प्लस एल हो जाएगी, तो जो लिमिट आएगी वो आएगी डी से लेकर डी प्लस एल तक। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, के क्यू क्यू अपॉन एल, इसका इंटीग्रेशन माइनस वन बाई एक्स होता है डी बाई डी प्लस एल, तो इसको सॉल्व करते हैं के क्यू क्यू अपॉन एल और पहले अपर लिमिट तो माइनस वन अपॉन डी प्लस एल प्लस आ जाएगा वन अपॉन डी, यहां जाएगा डी माइनस का डी डी प्लस एल, डी से डी कैंसिल, ऊपर बचा एल, एल से एल कैंसिल, ये पूरा एलसीएम आ गया, तो इस के की वैल्यू भी पुट कर देते हैं वन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू और अपॉन डी इंटू डी प्लस एल, आगे आप सोल्व कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा ही आगे, तो ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ये आंसर आपको दिख रहा है कौन सा, आप आंसर नंबर फोर। ओके तो ये अपना आंसर है, नेक्स्ट चेक करते हैं। यहां पर आपको इस पर टोटल चार्ज बताना है, कुल आवेश बताना है, तो यहां पर चार्ज जो है वो थीटा के साथ वेरी कर रहा है, थीटा यहां पर कौन है, तो अपन क्या करते हैं कोई एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं उस पर पहले कैलकुलेट करते हैं, तो ये अपने जो अर्धवलय है इसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट अपन ने यहां ले लिया, ये मान लो यहां से कोण बना रहा है डी थीटा, मतलब इसका और ये एंगल आपका है थीटा और इसकी लेंथ मान लेते हैं डी एक्स मान लेता हूं, चलो तो अपने को यूनिट लेंथ पे चार्ज लेमडा दे रखा है, तो इस छोटे से इस पर जो चार्ज देखेंगे अपन डी क्यू की वैल्यू, तो डी क्यू इक्वल टू आ जाएगा यूनिट लेंथ पर इंटू लेंथ कितनी डी एक्स, डी एक्स अगर अपन जानते हैं कि अपन एक फॉर्मूला जानते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस डी थीटा इक्वल टू ये, तो डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी आर डी थीटा। अब लेमडा की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो लेमडा की वैल्यू है आपके पास लेमडा नोट कोस थीटा, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी आर डी थीटा। अब अपने को पता है कि ये एलिमेंट जो है वो यहां से काटना स्टार्ट करे तो यहां तक आ जाएगा, तो टोटल चार्ज चाहिए तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ये एलिमेंट अगर अपन यहां पर ले आए तो थीटा जीरो हो गया, ये यहां ले आए तो पाई, तो जब टोटल चार्ज आपको पूछा गया है तो थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, बाकी सबको बाहर, लैम्डा नोट और आर को बाहर ले लिया और जीरो से कहां तक आ गया पाई कॉस थीटा डी थीटा, लैम्डा नोट आर कॉस का होता है साइन थीटा इंटीग्रेशन और जीरो से पाई लिमिट पुट कर देते हैं लैम्डा नॉट आर साइन पाई माइनस साइन जीरो, साइन पाई की वैल्यू भी जीरो, साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो, तो ये टोटल चार्ज कितना आ जाएगा जीरो, तो इस पर ये जो कुल आवेश है उसका मान जीरो के बराबर होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी दे रखा है, आपको फ्लक्स चाहिए, टोटल फ्लक्स जो है वो अपन जानते हैं कितना होता है फाई इक्वल टू होता है ई डॉट ए एरिया, लेकिन आपको एक्स एक्स के अंदर आपको फ्लक्स की वैल्यू ये दे रखा है। अब देखिए एक्स डायरेक्शन का मतलब ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है ये ई एक्स मान लेता हूं, ये आपका ई एक्स है, लेकिन ये माइनस में दे रखा है इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में एक्चुअल में। ओके अब दो फेस जो ये हैं, एक ये पीछे वाला और एक आगे वाला, इनसे फ्लक्स जो है वो पास होगा, लेकिन अब अपन यहां पर ये जो बात करें इसकी ये इसके लिए एक्स की वैल्यू जीरो है, ये जो प्लेन है इसके लिए एक्स की वैल्यू जीरो है, तो एक्स जीरो रखोगे तो यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, लेकिन सामने वाली जो ये फेस है ये वाली फेस ये फेस यहां से कितनी डिस्टेंस पर है,
ये आपको दे रखा है 1 मीटर, तो ये 1 मीटर पर है, तो एक्स की वैल्यू अपन 1 पुट कर देंगे, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके पास -4 वोल्ट पर मीटर। और ये जो सामने वाला एरिया है ये 1/1 का तो 1 हो जाएगा, तो आपके पास जो ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गई -4 i कैप। एरिया जो होगा एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा i कैप की डायरेक्शन में, यूनिट होगा तो i कैप, तो ये आपके पास -4 आ गई। ये कौन से डायरेक्शन में आ गया, x में। y में कैलकुलेट कर लेते हैं, अब y के अंदर कितना दे रखा है आपको 6y, तो 6y अगर आपको दे रखा है तो y डायरेक्शन तो आपकी ये है, तो फ्लक्स केवल इसी से पास होगा, इससे इस वाले से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा जो पीछे ये दिख रहा है इससे, क्योंकि यहां पर वाई की वैल्यू कितनी है 0 0 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहां से वाई वाले से कैलकुलेट करोगे तो ये जो फेस है ये वाला फेस ये यहां से 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो 1 पुट करेंगे तो 6 आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया 6, और ये हो गया जे कैप, और एरिया भी कितना आ जाएगा जे कैप, तो ये सॉरी डॉट प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट, ओके, तो ये डॉट प्रोडक्ट आपके पास होगा, चलो यहां लिख देता हूं 6j कैप डॉट j कैप, तो ये आपके पास आ गया 6। तो y डायरेक्शन में इतना तो टोटल फ्लक्स अपन लिखेंगे तो -4 + 6 दिस इज 2, और ये अपन जानते हैं q अपॉन कितना होता है एप्सिलॉन नॉट, तो q इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आवेश का जो इसके द्वारा जो बाउंडेड चार्ज है, बंद आवेश का मान पूछा है ये अल्फा एप्सिलॉन नॉट, तो अल्फा एप्सिलॉन नॉट तो है, तो यहां पर ये वैल्यू किसकी आ गई अल्फा की, तो अल्फा इक्वल टू आपके पास 2 आएगा, तो आपका आंसर हो गया थर्ड, मींस अल्फा इक्वल टू 2। अधिकतम और न्यूनतम पूछा है 12 12 के, तो सिंपल सा है, मैक्सिमम कब मिलेगा कैपेसिटेंस जब उनको पैरेलल में जोड़ेंगे, क्योंकि पैरेलल में अपन जानते हैं पैरेलल में कुल सॉरी कैपेसिटेंस सीपी इक्वल टू क्या होता है C1 + C2 + C3 कैपेसिटेंस ये होगा, तो यह आ जाएगा 36 माइक्रोफेड, और सीरीज के अंदर कैपेसिटेंस होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, तीनों सेम है, तो सीरीज के अंदर अगर देखेंगे तो 12/3 मीन्स 4 माइक्रोफेरेड। तो ये तो आपके आ गई मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान आ गया, एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो मैक्सिमम तो आपकी आई 36 और मिनिमम आई आपकी 4, तो यही आंसर दिख रहा है, तो ये आपका आंसर थर्ड आ जाएगा, ओके। अब यहां पर ए और बी जो है वो दो स्पेयर हैं, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, तो इसके आपको कैपेसिटेंस पूछा है। देखो ये अपन जानते हैं कि अगर ये आपके पास एक स्पेयर है, स्पेरिकल सेल है, गोलीय कोष है, इसके अंदर अगर कोई दूसरा रख देते हैं ए या ये बी, तो जब इसके अंदर रखेंगे तो इसका पोटेंशियल इस जो है ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा होगा। इस पर चार्ज है मान लीजिए कोई भी प्लस माइनस जैसा भी अपन प्लस मान लेते हैं, इस पर भी चार्ज है, तो ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, विभव ज्यादा होगा किससे बी से। अब अपन जानते हैं कि अगर इनको कनेक्ट कर देंगे आपस में यहां पर किसी वायर से, तो आवेश का जो है चार्ज का जो फ्लो होता है ये होता है किधर, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न की तरफ, तो डेफिनेटली ए से बी की तरफ होगा, और तब तक होगा जब तक इसका पूरा चार्ज समाप्त नहीं हो जाता, तो इसका अंदर वाले का पूरा चार्ज बाहर वाले पर आ जाएगा, अंदर वाले पर कोई आवेश नहीं होगा। तो यहां पर जो चार्ज बाहर वाले पर आ गया, इनको कनेक्ट किया ए बी, तो ये एक तरह से बी रेडियस का, बी तीव्रता का एक तरह से चालक बन गया, ठीक है, भीतर सॉरी बी रेडियस का चालक बन जाएगा, और चालक की क्या होती है 4 πε₀ × त्रिज्या, त्रिज्या इसकी कितनी आ गई बी रेडियस बी आ गई, तो इसका आंसर आपके पास 4 πε₀ × b के इक्वल होगा, ओके। इसमें आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये दोनों अपने को दिख रहे हैं सीरीज में है, सीरीज तो इनका टोटल आएगा सी। अब यहां पर अगर मैं इन दोनों को हटाकर एक ही जोड़ दूं कितने का सी का, तो ये जो सी और ये जो सी है ये किस में आ गई पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 2c के इक्वल, तो अब आपके पास ये 2c यहां पर आ गया आपके पास 2c, ये आपके पास एक बार सी आ गया का नहीं बना रहा हूं मैं, ये सी ये 2c, ये इन दोनों का 2c के इक्वल आ गया, ये आगे ब्रांच बनी हुई है,
फिर वापस वही कंडीशन, ये दोनों टू सी सीरीज में हो गई तो इनकी जगह सी आ गया, फिर ये सी और सी, यहां पर आप इन दोनों की जगह जो है सबकी जगह सी, अब ये सी और सी पैरेलल में आ गए तो इनका टू सी हो जाएगा, ये टू सी और ये टू सी फिर सीरीज में आ गए तो इनका सी हो जाएगा, फिर यहां पर ये सी आ गया इन दोनों की जगह, ये सी और सी फिर पैरेलल में हो गए तो इन दोनों की जगह कितना आ गया टू सी, ठीक है, तो इन दोनों की जगह टू सी आ गया, फिर ये टू सी और टू सी किस में हो गए सीरीज में तो इनका आ जाएगा सी। अब आपके पास लास्ट ये आ गया, ये सी है, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, ये दोनों पैरेलल में है तो इनका टू सी हो जाएगा। अब लास्ट ये है आपका कि ये टू सी है ए, और यहां पर भी कितने का है टू सी का है, और सॉरी यहां कोई है नहीं तो ये बी आ जाएगा। अब अपने को साफ दिख रहा है ये दोनों जो हैं वो सीरीज के अंदर हैं तो इनका वन अपॉइंट टू सी प्लस वन अपॉइंट टू सी जब करके सोल्व करेंगे वैसे भी इक्वल है तो आधा कर दो, इनको दो ही हैं तो सी के इक्वल इनका आंसर होगा। ओके, ये आपको इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना है तो इसमें हमेशा जब भी इफेक्टिव कैपेसिटेंस जिनके बीच में देखते हैं उनको बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करने पर जैसे जिस प्लेट को जैसे टर्मिनल से कनेक्ट किया है उस पर वैसा ही चार्ज आएगा, इसको प्लस से किया है तो इसके दोनों साइड में प्लस चार्ज आएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लेट वन टू थ्री, ठीक है, और ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट बी है, कैपेसिटर एक प्लस और एक माइनस को मिलकर बनता है, दोनों प्लस दोनों माइनस कभी भी कैपेसिटर नहीं बनेंगे। तो प्लेट नंबर एक और दो को देखो, एक और दो कैपेसिटर बनाएंगे, एक कनेक्ट है क्यू क्यू से, क्यू है ये और ये पी, तो यहां पर आपकी चलो यहां बना देता हूं, ये आपका पॉइंट पी, ये आपका पॉइंट क्यू, एक नंबर प्लेट कनेक्ट है आपके क्यू से, दो नंबर आपकी कनेक्ट है पी से, पी टू और थ्री भी बनाएंगे, टू कनेक्ट है किससे पी से, टू कनेक्ट है पी से, थ्री नंबर कनेक्ट है क्यू से, तो ये दो कैपेसिटर यहां पर बने और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे पैरेलल में होंगे, समांतर क्रम में होंगे, तो यहां पर टोटल कैपेसिटेंस जो आएगा वो आ जाएगा आपके पास दोनों का, इसका सी माने इसका सी तो सी पी हो गया तो ये टू सी के इक्वल आएगा, और पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी तो ये आ जाएगा, तो आपका आंसर होगा टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और वैसे भी ध्यान रखो अल्टरनेटिवली प्लस माइनस आती है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, तो जितनी प्लेट होती है उससे कम कैपेसिटर बनता है और वो हमेशा समांतर क्रम में, तीन प्लेटें हैं दो कैपेसिटर बनेंगे समांतर क्रम में, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं, तो इसका आंसर आ गया फोर्स। ओके लाइक नेक्स्ट, ये भी सिंपल है, अपने को ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस चाहिए। देखो यहां से यहां तक एक सिंपल वायर कनेक्ट है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटेड, तो मान लो इस पॉइंट को मैं डी लेता हूं और इस पॉइंट को ए, तो यहां से लेकर यहां तक आप देखिए कुछ भी एलिमेंट कनेक्ट नहीं है, ए और ई के बीच में एक वायर है, इसका मतलब ए और ई जो है वो शॉर्ट सर्किटेड है, शॉर्ट सर्किटेड का मतलब इन दोनों के पोटेंशियल सेम है, तो ए और ई को एक जगह ले लेते हैं, डी और बी यहां से यहां तक कुछ कनेक्ट नहीं है तो डी और बी के विभव भी आपस में समान होंगे, इनको भी अपन शॉर्ट सर्किटेड बोलेंगे। ओके, अब एक एक कैपेसिटर को देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट के बीच में कनेक्ट है। सबसे पहले इसकी बात करें, ये ए और डी के बीच में कनेक्ट है, ए और डी, तो आपका ए पॉइंट यहां पर है, डी पॉइंट आपका यहां है, तो इसके बीच में ये सी आ गया। दूसरे कैपेसिटेंस की बात करें तो ये डी और ई के बीच में है, तो ये आपका डी आ गया, ये आपका ई, इनके बीच में कनेक्ट कर दो। तीसरा कैपेसिटेंस साफ दिख रहा है ई के और बी के बीच में है, ठीक है, ई और बी, तो आपका ई तो यहां पर है, बी आपका यहां है, तो तीसरा यहां कनेक्ट कर दो। तो यहां पर तीन कैपेसिटर जो है ये तीनों आपस में कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में समांतर क्रम में, तो ये तीनों समांतर क्रम में, तीन टोटल इनका कितना जाएगा थ्री सी के इक्वल, तो आपका आंसर हो गया सेकेंड। ओके, यहां पर सब कुछ लिखा है, इसमें आपको परिपथ में धारा चाहिए, ठीक है, करंट इन सर्किट, तो आपको टोटल पोटेंशियल चाहिएगा, तो रेजिस्टेंस, तो आप देखिए यहां पर टोटल रेजिस्टेंस के लिए अपन क्या करें, इन दोनों को देखें तो ये अपने को साफ दिख रहा है ये दोनों पैरेलल में है, समांतर क्रम में है,
तो समांतर क्रम में इन दोनों का अगर टोटल अपन देखें कितना आएगा, तो 2 × 3 / 2 + 3 मीन्स 6/5 मतलब 1.2 ओम। अब ये 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है 4 ओम, इन दोनों की जगह ये क्या आ गया 1.2 ओम, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया 0.8 ओम, और ये आपके पास बैटरी आ गई और बैटरी का भी पोटेंशियल है 12 वोल्ट। अब इन सबको अगर अपन ऐड करें तो ये आपका 1.2 वोल्ट है ओम है सॉरी, और ये 1.2 और 8.8 टू हो गया, 2 और 4 कितना हो गया 6 हो गया। सारे सीरीज के अंदर है, सब में सेम करंट जाएगा, सारे समान सीरीज के अंदर होंगे, तो यहाँ पर करंट आ जाएगा टोटल ईएमएफ कुल विद्युत वाहक बल 12 और बटे ये हो गया 2 और 4 6, तो आपका करंट आ गया 2 एम्पियर। आंसर होगा इसका थर्ड। किरचॉफ का फर्स्ट नियम कहता है कि किसी भी संधि पर जंक्शन पर टोटल करंट कितना होगा, 0 होगा। तो कुछ बाहर आ रहे हैं, कुछ अंदर जा रहे हैं, जो भी है, ठीक है। तो यहां पर टोटल करंट 0 होगा, इसका मतलब पर सेकंड जितना चार्ज यहां पर आएगा पर सेकंड उतना ही वहां से क्या हो जाएगा, चल जाएगा, क्योंकि आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट। तो चार्ज जितना आया उतना ही चला गया, इसका मतलब ये किस पर बेस्ड होता है, एनर्जी कंजर्वेशन पर, सॉरी चार्ज कंजर्वेशन पर, आवेश संरक्षण पर, जबकि दूसरा जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण पर होता है। ओके ओके बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर अपने को करंट इस एमिटर का रीडिंग चाहिए, तो यहां पर आपके पास ये 3 रेजिस्टेंस है तीनों पैरेलल में R/3, नीचे वाले दोनों पैरेलल में है ये R/2। यहां पर आपका एमिटर कनेक्ट है, यहां पर आपके पास है 220 का सोर्स, सीधा ही जोड़ देते हैं 220 वोल्ट। ओके, तो आपको इसमें करंट चाहिए, तो यहां से जो करंट जाएगा वो करंट इसमें जाएगा। ओके, तो यहां पर अगर इस ब्रांच में अपन करंट देखते हैं, तो इस ब्रांच में अपने पास जो करंट आएगा, करंट इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पर, इस पर भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना 220 का, इस पर भी कितना 220 का, तो आपके पास इसमें जो करंट आई डैश अगर मानो तो टोटल पोटेंशियल 2 और ये R/3, तो 220 × 3 / आ गया 1100, तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये 2, ठीक है, और ये आ गया आपका 10, और ये आ गया 1, और ये 5, तो ये आपका 3/5 एम्पीयर सिंपल ही आ गया, क्योंकि इन दोनों के ऊपर भी टोटल पोटेंशियल 220 वोल्ट होगा और इन दोनों पर भी 220 वोल्ट होगा। ओके, तो इसका आंसर आएगा 3/5 मतलब ऑप्शन थर्ड। ओके, यहां पर ये बोल रहा है कि एमीटर और वोल्टमीटर आदर्श आइडियल है। आइडियल का मतलब वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जो आइडियल, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, जबकि जो एमीटर है उसका 0 होता है। तो यहां पर ये वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट तो है, अपने को साफ दिख रहा है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि अनंत प्रतिरोध है, बहुत ज्यादा है। यहां पर अगर अपन देखें तो इन दोनों की जगह एक ही रेजिस्टेंस कनेक्ट करें तो पहले करंट अपने को टोटल देखना पड़ेगा, उसके लिए पहले अपन रेजिस्टेंस देखें, तो ये आ गया 15 ओम, ये आ गया 30। अब ये 15 और ये 30 अपने को साफ साफ दिख रहे हैं कौन से में है, पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल में अगर अपन इनको देखेंगे तो R की वैल्यू आपके पास आएगी 15 × 30 / 15 + 30 = 45, ठीक है, तो मतलब 10 ओम आ गई। अब देखो ये आपके पास 20 ओम, ये आपके पास 10 ओम, फिर यहां पर आपके पास बैटरी है 30 वोल्ट की, ये दोनों सीरीज में आ गए, इन दोनों का टोटल आएगा 30 ओम, तो इस यहां से जो करंट चला वो चला 30/30 मतलब कितना 1 एम्पियर। तो यहां से 1 एम्पियर का करंट आपके पास चला, 1 एम्पियर इसमें गया, कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें जाएगा। अब ये जो 15 वाले और ये जो 30 वाला, ये समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जो है मतलब पैरेलल के अंदर जो करंट होता है ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो अगर इसमें आपको करंट चाहिए तो आप, अपन मैं स्क्वायर डैश मान लेता हूं, तो आपके पास आएगा 30/15 + 30 और इंटू टोटल करंट आपका 1 एम्पियर, तो ये आ जाएगा 2/3, शायद 15 से कैंसिल कर देंगे 2/3 और इंटू 1 मतलब 2/3 एम्पियर।
इसका मतलब इसमें जो करंट जाएगा, इस ब्रांच में जो करंट जाएगी यहाँ, वो 2/3 एम्पियर के इक्वल जाएगी। यहां से करंट आ रहा था आपका 1 एम्पियर। अब आपको इसके ऊपर जो है वो पूरा है पावर कंजप्शन इन 9 ओम रेजिस्टेंस, इस पर पूछ रहा है। तो पावर की वैल्यू P इक्वल टू क्या लिख देते हैं, I स्क्वायर इंटू R। तो करंट तो आपका कितना आ गया यहाँ पर 2/3, तो ये तो हो जाएगा 4/9। रेजिस्टेंस कितना है 9, तो ये आपके पास कितना आ गया 4 वोट के इक्वल। तो इसका आंसर जो है वो बेटा 4 वोट होगा, मीन्स ऑप्शन सेकेंड होगा। यहां पर धनात्मक टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल जो है इसका पोटेंशियल आपको चाहिए। मान लो इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूं, वही करेंगे। सबसे पहले अपने को टोटल करंट देखना पड़ेगा, फिर किरचॉफ का नियम इसमें काम में लेंगे। तो ये दोनों अपने को सीरीज में दिख रहे हैं और ये हो गया 8 ओम। ये 8 ओम और ये 8 ओम हो गए पैरेलल में, तो इनका हो गया 4 ओम। अब ये 6 ओम आपका और ये 4 ओम ये कनेक्ट हैं 40 वोल्ट की बैटरी से। ये दोनों सीरीज में हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि जो करंट आया वो यहां पर आपके पास कितना आएगा, 40/10 मतलब 4 एम्पियर। तो यहां से आपके पास 4 एम्पियर करंट चला, ये 8, ये टोटल 8, तो डेफिनेटली इसमें भी कितना जाएगा 2 एम्पियर, इसमें भी कितना जाएगा 2 एम्पियर। अब इस पॉइंट को ए माना, इस पॉइंट को मैंने माना बी। अब किरचॉफ का नियम लगाते हैं, पॉइंट ए से चलते हैं। ए का पोटेंशियल अपने को चाहिए, लेट बी ए यहां चले -6 × 4 करंट की डायरेक्शन में, फिर इधर जाके इधर चल रहे -3 × 2, ठीक है। फिर लास्ट का पॉइंट अपना बी आ गया, बी पॉइंट का पोटेंशियल 0 दे रखा है और ये आपका हो गया 24 - 6। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल जो आ गया वो प्लस का 30 वोल्ट आएगा। ए पॉइंट का पोटेंशियल 30 वोल्ट के इक्वल होगा किरचॉफ के नियम से। यहां पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी एन चक्रों की कुंडली है, ए क्षेत्रफल दे रखा है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली का तल जो, ठीक है। तो मेक एन एंगल, यहां पर ध्यान रखो प्लेन जो है वो बना रहा है। अपन जानते हैं कि अपना चुंबकीय क्षेत्र ये है, इसमें अगर कोई कुंडली हो रखी है जिसका क्षेत्रफल ए और ये इसकी अक्षीस है, मतलब क्षेत्रफल सदिश, एन बोल दो इसको, एन कैप ले लेता हूं, ये थीटा कोण बनाती है, ठीक है। तब अपने पास टो की वैल्यू कितनी आती है, एन आई ए बी साइन थीटा, ये आपके पास टॉर्क होता है, सब जानते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है। लेकिन यहां पर ये जो थीटा है वो इसके अक्ष के द्वारा बनाया गया कोण है, अक्षीस मतलब इसके परपेंडिकुलर, इसके द्वारा बनाया गया मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, तल। तो तल अगर कोण बनाएगा तो तल कितना कोण बना देगा, 90 - थीटा। तो ए बी एन आई, एन भी लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स, ए बी साइन और क्या लिखेंगे 90 - थीटा, 90 - थीटा होता है कॉस थीटा, तो एन आई ए बी कॉस थीटा, ओके। तो ये आपका आंसर आ जाएगा थर्ड। यहां पर देखो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक कण पर बल लग रहा है, अपन जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र में किसी कण पर बल होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ओके। अब यहां पर ये कह रहा है कि इसको प्रक्षेपित किया पूर्व की ओर, पूर्व को अपन ये इस तरह से ले लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आई कैप, ये जे कैप, -i कैप - j कैप। बल अब ये प्रक्षेपित किया, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी पूर्व की ओर है, वेलोसिटी पूर्व की ओर, इसका मतलब आई कैप की ओर। तो क्यू चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे यहां पर, ठीक है। और ये आपका वेलोसिटी आ गई कौन सी डायरेक्शन में, आई कैप क्रॉस देखेंगे। अब ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर विक्षेपित होता है, मतलब डिफ्लेक्ट होता है उत्तर की ओर, इसका मतलब इस पर फोर्स लग रहा है उत्तर की ओर, उत्तर का मतलब जे, तो यहां पर आप लिख देते हैं एफ जे। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, तो अपन यहां पर कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर यूज करें कि उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जे आ जाए, ठीक है। तो अपन जानते हैं अगर मैं के लिखता हूं आई क्रॉस के, तब तो ये -j के इक्वल आएगा, आई क्रॉस के -j के। तो यहां पर अगर मैं ये लिख दूं आई क्रॉस -k, तो ये j के इक्वल आ जाएगा।
तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो माइनस के डायरेक्शन में आएगा, ताकि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जे के इक्वल आ जाए, जिधर फोर्स आए। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो माइनस के, अब के अपने को दे नहीं रखा तो के तो इस वर्टिकली होगा यूं, ठीक है, तो वर्टिकली और माइनस है, इसका मतलब किधर, नीचे की तरफ, तो यहां पर जो आएगा वो नीचे की ओर डाउनवर्ड आ जाएगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र में है, अपन जानते हैं कि यहां पर आप देखो इसमें आपको क्या दे रखा, गतिज ऊर्जा, समान गतिज ऊर्जा, तो आपको रेडियस वाले फॉर्मूले में गतिज ऊर्जा लानी पड़ेगी, तो आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, एक तो ये होता है एम वी होता है मोमेंटम, पी पी और ये लिख देते हैं क्यू बी, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी लिखें तो ये आएगा टू एम के काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी, ठीक है। अब देखो गतिज ऊर्जा समान, समान चुंबकीय क्षेत्र, ये कांस्टेंट, इसका मतलब जो रेडियस है ये प्रोपोर्शनल होगी रूट एम बाई क्यू के, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा कण, तो मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन रेशियो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का मास डबल होता है किससे, प्रोटॉन से, तो टू एम पी चार्ज उतना ही होता है, अल्फा कण का मास जो है वो चार गुना होता है प्रोटॉन का, और चार्ज होता है दो गुना, तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रूट एम पी अपॉन क्यू पी, यहां से रूट दो बच गया और वही रूट एम पी अपॉन क्यू पी, यहां से आप 12 आया तो टू बच आया, टू से टू कैंसिल हो गया तो रूट एम पी अपॉन क्यू पी, तो रेशियो चाहिए तो रूट एम पी क्यू पी सब जगह कैंसिल, तो ये आपके पास आंसर वन रूट टू, तो फर्स्ट आपका आंसर होगा। दो समान चुंबकीय ध्रुव जिनकी सामर्थ्य इतनी इतनी है, इतनी की दूरी पर रखें, मिलाने वाली रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य कहाँ होगी, तो बिल्कुल वो विद्युत क्षेत्र वाली तरह अपन कर सकते हैं, तो यहां पर देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, एक तो आपके पास है कितना 10 का, दूसरा है 40 का, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस आर लिख देता हूं एक बार, बाद में 30 कर देंगे, यहां पर आपके पास जीरो है, मान लेते हैं यहां जीरो है, तो वही करते हैं अपन, इसके कारण देखें, ठीक है, तो यहां पर तीव्रता अगर आप देखोगे तो 10 बटे एक्स स्क्वायर आएगा, दूरी के वही 10 बाई, बाकी चीजें मैं कांस्टेंट वगैरह नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, इक्वल टू 40 इक्वल टू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो आपके पास ये आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर 4 बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको अपन सोल्व करते हैं 1 बाई एक्स 2 बाई आर माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई आर माइनस एक्स इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू सोल्व करने पर ये आ जाएगी आर बाई 3, आर की वैल्यू 30 है बटे 30, तो ये आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, लेकिन ये दूरी जो है वो आपकी कहाँ से है, 10 वाले से, 10 वाले से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो प्रबल कौन सा हुआ, स्ट्रोंगर कौन सा हुआ, ये, तो यहां से अगर ये दूरी 10 सेंटीमीटर है तो यहां से ये दूरी कितनी आएगी 20 सेंटीमीटर, तो जो स्ट्रोंगर है, स्ट्रोंगर है उससे कितनी डिस्टेंस पर आ गई 20 पर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड, ठीक है, बाकी चीजें मैंने नहीं रखी क्योंकि किसी मैग्नेटिक फील्ड ध्रुव के कारण होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वही चार्ज वाली तरह एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो कॉन्स्टेंट दोनों में आएगा, मैंने इनको छोड़ दिया, केवल आपको एम और आर मैंने लिए, ओके। अब एक छोटा चुंबक है को एक टेस्ट लगा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किलकित किया गया है, तो मान लेते हैं ए वन टेस्ट लगा, चुंबकीय क्षेत्र आपका इधर है, इधर ही आपकी मैग्नेटिक निडल अपनी, ठीक है, अब एक रूट थ्री टेस्ट लगा के चुंबकीय क्षेत्र को इसके लंब दिशा में आरोपित किया जाता है, इधर लगा दिया तो ये थीटा से विक्षेपित हो जाती है। अब देखो यहां पर क्या करेंगे अपन, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसको बी वन मान ले, वन टेस्ला, एक अपन ने इधर लगाया बी टू, ये रूट थ्री टेस्ला, मान लो निडल यहां आ गई और ये अपने को एंगल दे रखा है थीटा, तो ये अपनी तरफ टॉर्क लगाएगा ये, ठीक है, तो यहां पर जब टॉर्क अपन देखेंगे तो ये इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह टॉर्क अपन जानते हैं, तो ये टॉर्क जो लगाएगा उसकी वैल्यू आएगी एम बी वन साइन थीटा,
ये अपनी तरफ खींचेगा तो इधर इस पर बल, ये इधर इधर बल, ये अपनी तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, तो ये अपनी तरफ घुमाने की कोशिश करेगा तो ये एंगल आ गया मैग्नेटिक फील्ड से 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर ये दूसरे वाला जो टॉर्क लगाएगा वो mb2 और साइन 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा आपका कोस थीटा। तो mb2 कोस थीटा, तो टो वन इक्वल टू टो टू, इक्वल कर देते हैं, m तो कैंसिल हो जाएगा, b1 की वैल्यू है 1 इंटू साइन थीटा, ये है √3 इंटू कोस थीटा, इसको यहाँ ले आएंगे तो आप जानते हैं tan थीटा इक्वल टू √3 और थीटा होता है कितने का 60 डिग्री का, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, मीन्स ऑप्शन 4। यहां पर एक कण है जो इसमें प्रवेश कर रहा है, ठीक है, इसके इस साइड में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इधर बी की वैल्यू 0 है, मैग्नेटिक फील्ड केवल इसमें है। तो आप देखो इस पर ये चार्ज यूं इंटर कर रहा है, लेफ्ट हैंड यूज करें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कण की गति की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और ये उस पर लगने वाला बल, आपका चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ कण यूं जा रहा है तो बल इधर लगेगा, इसका मतलब ये कण इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये कण यूं प्रवेश कर रहा है तो ये यूं करके बाहर निकलेगा और ये थीटा से ही बाहर निकलेगा। तो इसकी अपन जानते हैं कि रेडियस जो आएगी वो आएगी mv/qb, ये इसकी त्रिज्या होगी, ठीक है। आप अपने को ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में तय की गई दूरी, तो आपको ये दूरी बतानी है, तो एक तरह से आर्क हो गई है, ये एंगल थीटा दे रखा है, तो ये अपन अगर इसको ये ट्रायंगल बनाए, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये और ये इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है। अब यहां पर देखो ये कोण अगर थीटा है तो अपने पास ये जो कोण आएगा आप ये देख सकते हैं इसको, ये देखो ये कोण थीटा, रेडियस इससे 90 डिग्री पर आएगी है, तो ये कोण आपका आ गया 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये आपका कोण 2 थीटा, मतलब ये कोण भी थीटा होगा और ये कोण भी आपका थीटा के इक्वल होगा, ओके। तो जब आपका ये कोण थीटा के इक्वल आएगा, ये थीटा के इक्वल होगा, तो अपने को ये डिस्टेंस चाहिए, तो अपन जानते हैं आर्क चाहिए अपने को, तो कोण तो हो गया 2 थीटा, आर्क की लेंथ मान लेते हैं एक्स, और ये हो गई त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है आर, तो एक्स की वैल्यू आ गई कितनी r × 2θ, आर की वैल्यू आपको दे रखी है, तो ये आ गया mv/qb और × 2θ, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आ जाएगा, ओके। तो बेटा आपके 25 क्वेश्चंस थे, अपन ने इनको सॉल्व किया, आशा है सभी को अच्छा होगा, बेस्ट ऑफ लक, जय CLC, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं, उम्मीद है आपका पेपर अच्छा गया होगा। मैं डॉक्टर सुनील मेल्डा, टीम केमिस्ट्री टेक्नो 2023 का जोन 3 का केमिस्ट्री पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें कहा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ द नाइट्रोजन इन ए मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 120 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 144 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है मोल कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आप मोल फ्रैक्शन के लिए हमारे पास सबसे पहले मोल की रिक्वायरमेंट होती है, N2 का होगा मास अपॉन मोलर मास, ये हमारे पास जनरल फार्मूला होता है, तो मोल इज इक्वल टू ये होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मास है 70/28, इसको सॉल्व करेंगे 2.5 आएगा। इसी तरह N2 ऑक्सीजन का हो जाएगा मास अपॉन मास, अपने देखा 120/32, इसको सॉल्व करोगे 3.74, और एन CO2 इज इक्वल टू 44/44 = 1, ये अपने पास मोल निकल गई। मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 के मोल नाइट्रोजन के मोल हो जाएंगे अपॉन टोटल मोल प्रेजेंट इन ए मिक्सचर NO2 प्रेजेंट एन CO2, ये अपने पास जनरली क्या होगा, द मोल फ्रैक्शन इज द मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए मिक्सचर। सो पुट अप द वैल्यू ऑफ N2 इज 2.5 अपॉन 2.5 प्लस 3.75 प्लस 1, इनको ऐड कीजिए अपने पास, तो 2.5 अपॉन 7.25 के इक्वल, इसको अगर सोल्व करते हैं तो 1.34 हमारा आंसर आता है, ये सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस इज लिक्विड इंक्रीज विथ, गैस में द्रवों की घुलनता, आपको पता है, यू नो दैट गैस, द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस इज डिपेंड ऑन द प्रेशर ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस, हाई टेम्परेचर द ताप बढ़ाने पर इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेज मोलिक्यूल इज इंक्रीज, सो द सॉलिबिलिटी इज डिक्रीज, बट यहां क्वेश्चन में आपको इंक्रीज पूछा गया है, तो दैट मींस फर्स्ट ऑप्शन में हम क्या कहेंगे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी, तो ऑप्शन कट, गैस का दाब घटाने पर यानी रिडक्शन द गैस प्रेशर, प्रेशर अगर रिड्यूस करते हैं तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है, या ताप घटाने पर, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन होता है ताप घटाने पर, जरूर ताप घटाने करेंगे तो जो भी गैसेज है वो क्या होगी, कंडेंस होगी, और कंडेंस होगी लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड से उनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मिक्सर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड प्रोपाइल अल्कोहल हैज द वेपर प्रेशर ऑफ 290 mmHg, आपको यहाँ पे इस मिक्सर का इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH ये अपने पास है, और प्रोपाइल अल्कोहल अपने पास होता है CH3CH2CH2OH ये अपने पास होता है, दैट मीन्स इसको मैं शॉर्ट में ले सकता हूँ C3H7OH, तो ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, इन दोनों का मिक्सर अगर बात करें हम तो मिक्सर के अंदर क्या होगा, टोटल प्रेशर जो वॉल्यूम है, टोटल मिक्सर का प्रेशर कितना है अपने पास 290, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, इसके लिए हमारे को इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन दे रखा है, आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन जो होता है वो इक्वल एक्स ए, एक फॉर्मूला आया होगा आपके पास, इथाइल अल्कोहल प्लस इथाइल अल्कोहल प्लस एक्स प्रोपाइल अल्कोहल इज इक्वल टू 1, इथाइल अल्कोहल का अपन को दे रखा है 0.6 प्लस प्रोपाइल अल्कोहल 1, तो प्रोपाइल अल्कोहल का जो मोल फ्रैक्शन होगा 1 माइनस 0.6, वो क्या आएगा 0.4, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, यहां पे पी ए की बात करूं, अगर सपोज करो मैं इसको इथाइल अल्कोहल मान लेता हूं एक्स ए प्लस इसको प्रोपाइल अल्कोहल ले लेता हूं एक्स बी, एक्स प्रोपाइल अल्कोहल ले लीजिए, इसको कन्वर्ट, इसको प्रोपाइल अल्कोहल मान लेता हूं, मोल फ्रैक्शन एंड प्रेशर, तो प्रोपाइल और इसका प्रोपाइल हो गया, तो देखिए पी टोटल हमारे पास दे रखा है 298, तो 290 अपन को प्रेशर दे रखा है, तो 290 इज इक्वल टू अल्कोहल, अगर मैं बात करूं इसकी अपने पास एथेनॉल के मोल फ्रैक्शन की, एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन, तो अपने पास एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.6 इंटू पी एथेनॉल नॉट, हमें पता नहीं है पी प्रोपाइल का प्रेशर, प्रोपाइल का प्रेशर अगर देखें इसमें तो 200 दे रखा है, तो 200 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन दे रखा है प्रोपाइल का 1.40, सॉल्व कर लीजिए भैया, 290 इज इक्वल टू 0.6 इंटू पी एथेनॉल नॉट प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 80 आएगा, इसको इधर लेके आ जाइए 290 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वल आ जाएगा, 290 माइनस 80 इज इक्वल टू 0.6 पी ई नॉट, तो पी ई नॉट हमारे पास क्या आएगा 210/0.6, अगर लगभग इसको सॉल्व करते हैं तो 350 mmHg होगा, यानी सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज वाज शो ए वेपर प्रेशर 750 एट 373 केल्विन, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्वा सॉल्यूशन है ये अपने पास, द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलरिटी सॉल्यूशन यानी अपने को ग्लूकोज का तनु विलयन दिया गया है 373 केल्विन पर और 750 mm उसका प्रेशर दिया है, आपको पता है एक्वा सॉल्यूशन है, दैट मींस पी नॉट जो सॉल्यूशन है उसका 760 mmHg होगा, इसका 7 mmHg होगा क्योंकि प्योर वाटर का क्या होता है वेपर प्रेशर 760 mmHg होता है अपने पास, आपको पता है लॉरिंग वेपर प्रेशर यानी पी नॉट इज इक्वल टू पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स के ऊपर डायरेक्ट होता है, तो मैं इसको कंपोनेंट्स को ऐसे लिख सकता हूं स्मॉल
अपॉन कैपिटल इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम। एम होता है वाटर का, इसको अगर मैं लोअरिंग वेपर प्रेशर से कैलकुलेट करूं, ये अपने पास 760 है, ये अपने पास सॉल्यूशन का 750 दे रखा है, तो 760 इज इक्वल टू, ये आपको जानते हो क्या होता है, मोलैलिटी, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू इंटू एम इंटू वाटर का क्या होता है 18 होता है, यहां से ये मोलैलिटी होती है, आपको बताया मोल पर, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होगी अपने पास, मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम इंटू 1000। ये वैल्यू अपने पास यहां इसके इक्वल है, इसको 18 को यहां लेके आ जाइए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10 अपॉन 760 इंटू 18 इंटू 1000, इसको लगभग सोल्व करोगे तो 73.9 अप्रोक्स ये आएगा, तो हम अप्रोप्रिएट आंसर है इसका 73, क्लियर, 73 और 74 के बीच में आता है, तो हम इसको 4 ऑप्शन देंगे, दैट मीन्स लोअरिंग वेपर प्रेशर से इसको कैलकुलेट किया जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, माई सेल्फ रणवीर जाखड़, टीम कमसी सीएलसी सीकर, अपन ऑर्गेनिक का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। देखिएगा सवाल नंबर 30, एनबीएस दे रखा है दोस्तों, एल्कीन एल्कीन के साथ में रिएक्शन करवा दो, अपन एनबीएस यानी कि एलाइली का हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है दोस्तों, ठीक है, तो Br2 और लाइट की जो रिएक्शन होती है वही रिएक्शन किसकी होती है, एनबीएस एन ब्रोमोसक्सेनेमाइड की रिएक्शन होती है, तो दोस्तों इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे, तो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है वो फ्री रेडिकल से सब क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, वहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों, Br आ जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, एलाइलिक Br मिल जाएगा। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, एल्कोलिक KOH के साथ में, और एल्कोलिक KOH क्या काम करता है दोस्तों, एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करवा दो, क्या हो जाएगा दोस्तों, बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, यानी कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाएगा और एल्का डाइईन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अपने Cl2 दे रखा है, Cl2 दे दो, Br2 दे दो, लाइट के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, तो एक बार फिर अल्फा पे क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और यहां पे अपने Cl मिल जाएगा, कहीं भी लगा दो दोस्तों, यहां पे लगाओ, Cl मिल गया। अब इसकी दोबारा रिएक्शन करवानी है आपको, एल्कोलिक KOH डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवा दो और क्या बना लो दोस्तों, बेंजीन, बेंजीन बन गई, मोर स्टेबल है, एरोमेटिक है, ठीक है, किसका नशा है इसको, एरोमेटिसिटी का नशा है, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन दैट इज एरोमेटिक, यानी कि बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, अपना आंसर कौन सा मिल गया, सेकंड। नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बात करें तो 31 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों क्या कर रहा है, SN1 रिएक्शन का बहुत ही प्यारा सा सवाल है, ये कह रहा है कि वाटर दे रखा है आपको, हाइड्रोलाइसिस करवा दो, रेसिमिजेशन पूछ रहा है, रेसिमिजेशन यानी कि रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन कौन करेगा, जो काइरल होगा, और मैक्सिमम कौन रखेगा दोस्तों, तो SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन के, तो दोस्तों कार्बोकेटायन बनाइए, ये कार्बोकेटायन मिलेगा, ये आप हटाओ Br, कार्बोकेटायन पाओ, यहां पे Br हटाइए, कार्बोकेटायन पाइए, यहां पे Br हटाइए और कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, यानी कि प्लस वाले जितने भी हैं, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, यानी कि प्लस एम प्लस एच प्लस आई जो है वो बेंजीन पर क्या करते हैं दोस्तों, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और बेंजीन दे रखी है तो वो कॉन्जुगेशन करेगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो यहां पे बात करें तो बेंजीन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है दोस्तों, इसकी बात करें तो ये भी 3 डिग्री है, इसमें भी कॉन्जुगेशन है, इसमें भी दोस्तों कॉन्जुगेशन है, इसमें भी कॉन्जुगेशन है, पर ज्यादा स्टेबल कौन है दोस्तों, ज्यादा स्टेबल वो होगा जिसके ऊपर प्लस वाले लगे होंगे, प्लस वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, यहां पे कॉन्जुगेशन एक बार है, यहां पे एक बार है, ये बेंजीन के साथ में कॉन्जुगेशन है, ये एलाइलिक ग्रुप के साथ में कॉन्जुगेशन है, यानी कि 1 डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन है, तो इन दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, बेंजाइलिक वाले की। इनमें अगर अपन बात करें दोस्तों तीनों में, तो यहां पे देखिए रिंग है, बेंजीन है, इधर भी बेंजीन है, इधर भी बेंजीन है, इसके पास भी दोस्तों 3 बेंजीन रिंग है, लेकिन NO2 का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस एम, NH3 का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है। यहां पे बात करें तो CH3 का कौन सा इफेक्ट है दोस्तों, प्लस एच, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, और इसका कौन सा इफेक्ट है दोस्तों, प्लस एम इफेक्ट है, तो इसका मतलब प्लस वाले इंक्रीज करेंगे, माइनस वाले डिक्रीज करेंगे, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी आ रही है दोस्तों, थर्ड की आ रही है, तो अपना आंसर कौन सा आएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस एम है और प्लस वाले क्या करेंगे, तीन तीन बेंजीन रिंग भी है
और प्लस वाला इफेक्ट भी है, यानी कि प्लस एम और प्लस एच दोनों इफेक्ट काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो क्या दे रखा है, 32 नंबर सवाल, करेक्ट, SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का ऑर्डर की बात हो रही है दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। तो देख लो, ये 2 डिग्री बन रहा है दोस्तों, ये 1 डिग्री बनेगा, ये भी 1 डिग्री बनेगा। कायदा ये कहता है कि 2 डिग्री की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन बनाओ, लुप्त उठाओ, ये वाला कार्बोकैटायन बना दिया दोस्तों आपने। ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, कंजुगेशन हो गया दोस्तों, इसको बीवी मिल गई तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसका मतलब इसकी इन तीनों में से रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा आएगी, इसका मतलब ये ऑर्डर अपना गलत हो गया। यहां पे बात करें तो दोस्तों बीआर को हटा दो, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, ये 1 डिग्री है और ये कौन सा है दोस्तों, 2 डिग्री, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, इसका मतलब इन दोनों में से इसकी ज्यादा होगी और सबसे ज्यादा इसी की होगी, लेकिन ये भी ऑर्डर क्या है, इनकरेक्ट है। यहाँ पे बात करें दोस्तों तो ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा, ये वाला कार्बोकैटायन बनाओ, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनाओ, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पाओ, इसका मतलब बैक बॉन्डिंग होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। एबीसी याद रखिए दोस्तों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखना है, ए फॉर एरोमेटिक, बी फॉर बैक बॉन्डिंग और सी फॉर सीपीएम, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, यानी कि डांसिंग रेजोनेंस। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, इसकी, उसके बाद में 2 डिग्री की, उसके बाद में 1 डिग्री की, ये ऑर्डर सही है दोस्तों। उसके बाद में इन दोनों में बात करें तो इसमें क्या है दोस्तों, बैक बॉन्डिंग और इसमें क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो बैक बॉन्डिंग कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इसका मतलब ये भी सही है। कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, बी और सी और डी दोनों सही है दोस्तों, सी और डी दोनों सही है, इसका मतलब कौन सा आंसर मिल गया आपको, थर्ड आंसर मिल गया। जी है, आगे बात करें दोस्तों तो सवाल नंबर कौन सा दे रखा है, 33, SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, माइनस वाले इंक्रीज करेंगे, प्लस वाले डिक्रीज करेंगे, SN1 के ठीक उल्टी है दोस्तों ये। स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगी तो SN2 क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, SN1 इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे क्या है दोस्तों, स्टेरिक क्राउडिंग या बराबर दे रखी है आपको, तो इसका मतलब क्या देखोगे, लिविंग ग्रुप एबिलिटी देखोगे, लिविंग ग्रुप एबिलिटी यानी कि अप टू डाउन जाएंगे तो हेलोजन का साइज क्या हो रहा है दोस्तों, इंक्रीज हो रहा है, और हेलोजन का साइज इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब बोन लेंथ इंक्रीज हो रही है, और बोन लेंथ इंक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगी दोस्तों, बोन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, इसका मतलब जल्दी कौन भागने वाला है, आई, तो अप टू डाउन मूव करने पर क्या हो जाता है दोस्तों, लिविंग ग्रुप एबिलिटी इंक्रीज होती है, तो आई गुड लिविंग ग्रुप है। तो इनमें यहाँ पे देखेंगे तो स्टेरिक क्राउडिंग बराबर है तो आई गुड लिविंग ग्रुप हो गया। ठीक है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। निष्कासी समूह की प्रवृत्ति देखेंगे दोस्तों, निकलने वाला कौन जल्दी है, आयोडीन, उसके बाद में बीआर और उसके बाद में सीएल, इसका मतलब पहला सही है। यहां पे बात करें दोस्तों तो यही बात अपने की है, बोन एनर्जी के अकॉर्डिंग देख लेंगे, गुड लिविंग ग्रुप कौन है, आई, इसका मतलब ये भी राइट है, यहां पे गलत हो गया, सिस्टम उल्टा होना चाहिए था। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ए और बी दोनों राइट है दोस्तों, ए और बी दोनों राइट है, इसका मतलब कौन सा आंसर मिल गया अपने को, थर्ड आंसर मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है, 34 नंबर, हाइड्रोलाइसिस की बात हो रही है दोस्तों। हाइड्रोलाइसिस का मतलब कौन सा हो गया, SN1 रिएक्शन, SN1 में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाओ, लुप्त उठाओ, यहां बीआर रिमूव कर दोगे तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन गया दोस्तों, बीआर रिमूव कर दोगे तो 3 डिग्री इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन मिल गया। यहां पे क्या है, ब्रिज हेड एटम है और ब्रिज हेड एटम के ऊपर परसेंट पॉजिटिव चार्ज डज नॉट पार्टिसिपेट इन कंजुगेशन रेजोनेंस, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों यहां से अगर बीआर निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, ब्रिज हेड एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ब्रिज हेड एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते ही इसकी स्ट्रक्चर दोस्तों कैसी हो जाएगी, sp2 हो जाएगी। ब्रिज हेड एटम कैन नॉट हैव प्लेनर स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी संरचना समतलीय नहीं हो सकती, प्लेनर नहीं हो सकती, अगर पुल तोड़ दोगे तो जाम लग जाएगा दोस्तों। तो यहां आपने पुल तोड़ दिया, इसका मतलब sp2 ये स्टेबल नहीं है, लेस स्टेबल हो गई, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा दोस्तों। अब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, इसमें देखो ये आपने कार्बोकैटायन बनाया तो यहां बैक बॉन्डिंग हो गई, तो बैक बॉन्डिंग कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन अदर, यहां 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, इसका मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बट कॉन्जुगेशन यहां ज्यादा है। ठीक है, बैक बॉन्डिंग होगी तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा किसकी स्टेबिलिटी है, पी की, तो इसका मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा रहेगा, उसके बाद में क्यू, उसके बाद में इन दोनों में से ब्रिज हेड एटम वाला देगा नहीं, ना SN1 देना पसंद करता, ना SN2 देना पसंद करता, उसके बाद में एस आएगा, उसके बाद में आर आएगा। देख लो दोस्तों, आर सबसे कम किसमें है, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि पी, क्यू, एस और आर। ठीक है,
चलो नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो 35 नंबर सवाल था, मेजर प्रोडक्ट ऑफ फ्लोइंग रिएक्शन दे रखा है दोस्तों, कौन सी रिएक्शन है? SN1 रिएक्शन, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे रखा है दोस्तों। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको बोलेंगे जिसका डायपोल मोमेंट क्या हो दोस्तों, जीरो ना हो और मोर यन एटम के साथ में एच हो, उसको कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। फोन के साथ में एच होना चाहिए, फोन का मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो ये देख लो ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये कैसा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, तो BR निकाल दो दोस्तों, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना लो, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन आपने ये बनाया 2 डिग्री, लेकिन इसका पड़ोसी चीख चीख के कह रहा है कि वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है, तो CH3 माइग्रेट करवा दो, यानी कि रीअरेंजमेंट करवा दो, यानी कि पुनर्विन्यास करवा दो दोस्तों। पुनर्विन्यास करवाओगे तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज पाओगे, देख लो 2 डिग्री से 2 डिग्री कार्बोकैटायन कन्वर्ट इनटू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन यानी कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई दोस्तों, 3 डिग्री में चेंज हो गया। अब यहां पे कौन अटैक कर देगा दोस्तों, एथाइल अल्कोहल अटैक कर देगा, ये अपना लोन पेयर इस पे लुटा देगा दोस्तों, तो क्या पालोगे दोस्तों, ये मिल जाएगा आपको, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यस नो, ये कौन सी रिएक्शन है दोस्तों, SN1 रिएक्शन है। अगर यहां हीट करने का साइन दे देते तो एलिमिनेशन हो जाता, फिर E1 रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाती दोस्तों वो। अब नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है। आगे अपन बात करें तो दोस्तों कौन सी दे रखी है, ये फिनोक्साइड दे रखा है दोस्तों, न्यूक्लियोफाइल दे रखा है आपको, और DMF दे रखा है, डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट दे रखा है दोस्तों। पोलर एप्रोटिक सोलवेंट किसको बोलते हैं जिसका डायपोल मोमेंट जीरो ना हो लेकिन मोर यन एटम यानी कि फोन के साथ में एच भी ना हो, खोने के लिए कुछ ना हो दोस्तों। ठीक है, एच होता तो वो खो देता, अब खोने के लिए एच नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो करवा दो। ये न्यूक्लियोफाइल है, SN2 रिएक्शन शो करेगा क्योंकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या कर देता है दोस्तों, इंक्रीज कर देता है, तो SN2 रिएक्शन हमेशा बैक साइड से अटैक करेगा, तो ये इसके फ्रंट साइड से अटैक करेगा, BR रिमूव हो गया, इन्वर्जन बनता है जिसको प्यार से क्या बोलते हैं दोस्तों, वाल्डन इन्वर्जन कहा जाता है। तो देख लो ये उल्टा, लेकिन ये बेंजीन बना दी यानी कि बेंजीन बना दी, अपने पास साइक्लोहेक्सेन दे रखा है, ये देख लो सेम का सेम रिटेंशन का रिटेंशन लगा दिए, ये अपना आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पे देखो क्या लगा दी, बेंजीन लगा दी, ये अपना आंसर नहीं हो सकता, ये देखो ऊपर लगा दिया, यानी कि वो क्या था, डैश डैश पे था, इसको अपन वेस पे लगा दिया, इसका मतलब उसका ठीक क्या हो गया, उल्टा, जिसको वाल्डन इन्वर्जन प्यार से बोलते हैं, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, 4th। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो क्या दे रखा है अपने को, 37 नंबर सवाल, ARSN2 रिएक्शन दे रखी है दोस्तों, SN2 की उल्टी होती है ये, क्यों, क्योंकि SN2 अपन डायरेक्टली करवाते हैं एलिफेटिक हैलाइड में, और ये अपने को क्या दे रखा है, एरोमेटिक हैलाइड दे रखा है, तो यहां पे अपन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की देखेंगे, तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट बनाओगे दोस्तों तो क्या करवाते हो, यहां पे अगर अपन बात करें तो हेलोजन दे रखा है, कोई भी स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बेनाइन मिलता है यहाँ पे। अब क्या दे रखा है अपने को, कोई भी न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसमें सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करेक्टर आ रहे हैं दोस्तों, तो डायरेक्ट अपन हेलोजन को नहीं हटा सकते, तो यहां क्या करते हैं दोस्तों, पहले इसके डबल बॉन्ड के करेक्टर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, कि चोर को क्या मारे, चोर की मां को मारे ताकि चोर पैदा ही ना हो, तो यहां पे पहले डबल बॉन्ड के करेक्टर को खत्म किया जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ जाएगी, तो देखिएगा दोस्तों देखते ही देखते क्या से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अपने पास हेलोजन है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ये इंटरमीडिएट कार्बेनाइन मिल गया। अब ये नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। अब आप देख सकते हैं ये नेगेटिव चार्ज कब स्टेबल हो सकता है, जब हेलोजन माइनस वाले जितने ज्यादा होंगे, और माइनस आई जिसका ज्यादा होगा इसका मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। अब यहां पे मान लो माइनस आई अगर इंक्रीज हो रहा है, माइनस आई अगर दोस्तों इंक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज होगा, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब यहां पे फ्लोरीन होगा तो उसका माइनस आई ज्यादा होता है, आयोडीन है तो उसका माइनस आई कम होता है, तो देख लो ये अपना ऑर्डर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उल्टा होना चाहिए था, फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा रहेगा। यहां पे अगर अपन बात करें तो क्या दे दिया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, इसका मतलब ये सेकंड अपने पास सही है। अब ये नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल कौन कर सकता है दोस्तों, माइनस वाले कर सकते हैं, और माइनस वाले आपको पता है अगर ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे है तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, यानी कि नेगेटिव चार्ज उतना ही कम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी दोस्तों, बढ़ेगी। तो यहां पे अगर अपन बात करें तो देखो इसके ऊपर कोई माइनस वाला नहीं है, इसका मतलब कार्बेनाइन को स्टेबल नहीं किया जा सकता,
इस पे देखो दो माइनस वाले हैं, इस पे तीन माइनस वाले हैं, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे उल्टा हो जाना चाहिए था। यहां देखो दोस्तों तीन तीन माइनस वाले लगा रखे हैं, इसका मतलब इस नेगेटिव चार्ज को खींच खींच के उसका बुरा हाल कर देंगे, इसका मतलब स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, इसी का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। उसके बाद में इस पे दो दे रखे हैं और इस पे क्या दे रखा है दोस्तों, एक दे रखा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, डी का। तो बी और डी दोस्तों इसका क्या आंसर आएगा, आंसर इसका मतलब बी और डी अपने को आंसर मिला है सेकेंड। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें दोस्तों तो क्या दे रखा है, ये अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ज्वाइन करें दोस्तों सीएलसी, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय सीएलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, बोरिक एसिड इन ए वाटर, बोरिक एसिड जल में क्या होता है, आपको पता है बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3BO3 फॉर्मूला होता है HBOHOH। इसमें आपको पता ही है प्रोटिक एसिड नहीं होता, ये प्रोटिक एसिड नहीं है इसके अंदर, तो प्रोटॉन इसके अंदर नहीं मिलता, तो ये ट्रिप्रोटिक तो होगा ही नहीं, यानी ट्रिप्रोटिक नहीं होगा, ट्राइप्रोटिक नहीं होगा, मोनोप्रोटिक नहीं होगा। हाँ, यह एक प्रोटिक अम्ल नहीं है, ये OH आयन गेन करके एसिड दिखाता है, तो ये बनता है अपने पास BOH का होल 4-, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अगर देखें, कहा जाता है कि द डेंसिटी ऑफ द ग्रेफाइट इज लेस देन डायमंड, यानी ग्रेफाइट की डेंसिटी जो होती है वो हीरे से कम होती है, आपको होता है 2.22, इसका ग्रेफाइट की देखें तो 2.226 होती है, जबकि हीरे की बात करता हूँ 3 समथिंग होती है, लगभग 2.5 अप्रॉक्स। तो अपना पता, ये करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक होता है, इट ए गुड कंडक्टर, बट डायमंड इज नॉट, आपको पता है गुड कंडक्टर होता है ड्यू टू 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी अपने पास स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड, द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड आर डिफरेंट, ग्रेफाइट आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, डायमंड अपने पास sp3 होता है दोनों का, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ करेक्ट ऑप्शन है अपने पास कि हीरा ग्रेफाइट की अधिक तुलना में शुद्ध रूप होता है, मानते हैं कि फ्लोरीन हाइएस्ट प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन, बट हीरे की बात करें तो हीरे के अंदर अपने पास इनफाइनाइट, अगर इसकी स्ट्रक्चर देखे तो जो 4 बॉन्डेड फ्री रहते हैं वहां पे कुछ इंप्योरिटी आती है, जिसकी वजह से ये कहते हैं इंप्योर नहीं होता है, दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4, ग्रेफाइड नहीं होता है, क्लियर। नेक्स्ट है बोरेक्स हीट, ये अपने पास रिएक्शन है बोरेक्स को एक्वस सॉल्यूशन में एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, बोरेक्स अपने पास अगर बोरेक्स है, इस बोरेक्स को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन कराता हूं एसिड की प्रेजेंस में, तो आपको पता है H3BO3 बनता है, बोरिक एसिड बनेगा, जिसको अगर 100 डिग्री पे हीट करें हम तो वो HBO2 में कन्वर्ट होता है, जिसको हम कहते हैं बोरिक मेटाबोरिक एसिड। ये मेटाबोरिक एसिड को अगर मैं फिर हीट करता हूं तो बनता है पाइरोबोरिक एसिड बनता है। इस भी आप पे अगर बात करें तो कहता है कि एक्स इज ए प्रोटिक एसिड, तो एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया और जेड ये हो गया, तो दैट मीन्स एक्स ए प्रोटिक एसिड, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट हो गया। वाई का केंद्रीय परमाणु में संकरण sp2 है, वाई हमारे पास है मेटाबोरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर देखिए तो हमारे पास क्या होता है HBO2 बी, ये अपने पास होता है, तो यहाँ पे ये बोरॉन होता है वो sp2 होता है, वैसे मेटाबोरिक एसिड साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, बट यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें हम तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो अपने पास सेकंड ऑप्शन सही है, वाई पायरो नहीं होता, जेड पायरो है अपने पास, जेड पायरो है, और जेड मेटाबोरिक नहीं है, जेड पायरो है, जबकि वाई क्या है, मेटा है, तो उपरोक्त सभी है, तो नहीं सकता, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम रिएक्ट विद द कास्टिक सोडा, आपको पता है एल्यूमिनियम जो होता है वो NaOH, कास्टिक सोडा होता है NaOH, उसके साथ रिएक्शन करते करके ये क्या देता है NaAlO2, ये अपने पास जिसको होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कहा जाता है, यानी थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्न विच इज द फॉलोइंग पेयर ऑफ द प्रेजेंट इन साइक्लिक एंड डबल चेन, आपको पता है साइक्लिक चेन की बात करें तो अपने पास SiO3 होता है, ये अपने पास साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, अगर आपको पता है तो इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर दी जाती है, ये इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, एक होती है P
P4 इसमें डबल चेन होती है, इसकी द्विक श्रृंखला सिलिकेट्स के रूप में रहता है, यानी Si4O11 की पावर N6N-, ये डबल चेन होता है, एनसीईआरटी में इसकी स्ट्रक्चर दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विच डज नॉट हैव SS बॉन्ड। स्ट्रक्चर की अगर काउंट करें हमारे पास H2 फर्स्ट स्ट्रक्चर है अपने पास, फर्स्ट स्ट्रक्चर को अगर बनाना चाहें तो HOS डबल बॉन्ड O OH, ये अपने पास स्ट्रक्चर होती है। सेकंड स्ट्रक्चर अगर देखना चाहें तो हमारे पास HOS डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5, ये स्ट्रक्चर होती है सेकंड। थर्ड अगर बात करना चाहें तो H अपने पास ये स्ट्रक्चर होती है HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड S और OH। तो फोर्थ स्ट्रक्चर है अपने पास SO3 की, SO3 में ट्राइम स्ट्रक्चर होती है इसकी O O S O S O, यहां पे डबल बॉन्ड O 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 डबल बॉन्ड O, दैट मीन्स इसमें अपने पास फोर्थ ये ट्राइमर स्ट्रक्चर ऑफ एनहाइड्रस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है SO3, SO3 की ट्राइमर स्ट्रक्चर होती है जिसमें SS बॉन्ड नहीं होता है, अपना फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच इज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ AgCl। अब इस क्वेश्चन में आपको पता है कि 2 मोल ऑफ AgCl प्रोड्यूस कौन करेगा, बट अगर देखे तो आंसर ये जाता, बट अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो बट ये अभिक्रिया की दक्षता 50% दिया है, यहां पे एफिशिएंसी जो दिया 50%, यानी PtNH3 का होल 6 Cl4 है, ये कन्वर्ट होता है PtNH3 का होल 6 4+4Cl-, बट इसमें 50% एफिशिएंसी दी है तो इसका मतलब 2Cl- जो Ag+Ag के एक्सिस में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, 2 मोल ऑफ AgCl। तो अपने पास ऑप्शन क्या जाएगा भैया, सेकंड ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच इज द फॉलोइंग हैज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड आल्सो नॉन आइडियल कॉम्प्लेक्स। 2 आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होता है अपने पास सिस ट्रांस का, अगर सिस ट्रांस में देखें तो इसमें अपने पास PtCl4NH3 का होल ट्वाइस, ये अपना कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें ये प्लस 4 में रहता है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ PtCl Cl Cl and Cl and NH3 and NH3, ये हमारे पास इसकी ट्रांसफॉर्म हो गई इसकी। और अगर सिस बनाना है हमको तो Cl Cl Cl, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3 और यहाँ पे Cl, ये अपने पास सिस ट्रांस 2 आइसोमर होते हैं, ये अपने पास सिस हो गया और वो अपने पास ट्रांस हो गया। तो अपने पास इस हिसाब से अपने पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच इज द फॉलोइंग एग्जिबिट इन DSP2 हाइब्रिडाइजेशन। आपको पता है DSP2 हाइब्रिडाइजेशन, ये ऑक्टाइडल है, ये ऑक्टाइडल है, ये दोनों नहीं होंगे, अब बचे इनके अंदर। आपको पता है NiCN4 होता है, NiCN4 निकल है यहाँ पे 2+, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D8 4S2, बट यहाँ पे 2+ की वजह से ये कट हो गए तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3D8 4S0, यानी D8 के अंदर अपने पास क्वेश्चन ऐसे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपने पास रहता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग करेगा, ये 4S, ये 4P है अपने पास, यहाँ पे पेयरिंग करेगा अपने पास, तो पेयरिंग में क्या होगा, 1 ये बन गया, तो अपने पास वैकेंट ऑर्बिटल कौन से हो गए, ये 3 हो गया, तो 1 2, यानी यहां पे हो गया, एक तो CN यहां देगा अपना इलेक्ट्रॉन, एक CN यहां, एक CN यहां और एक CN यहां, तो अपने पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, DSP2 स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है अपने पास, विच इज द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो मैं मैग्नीशियम की बात करता हूं, मैग्नीज होता है अपने पास D5 4S2, तो देखिए इसके अंदर टोटल अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो फिर भी 7 इलेक्ट्रॉन है और ऑड इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर फेरस की बात करता हूं तो होता है 3D6 4S2, यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। क्रोमियम की बात करें हमारे पास क्रोमियम होता है 3D5 4S1, इसके पास भी टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है।
निकल की बात करें हम तो निकल होता है 3d8 4s2, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज फर्स्ट में है अपने पास, ये हो गया क्या हो गया पैरा मैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसमें रहेंगे वो पैरा मैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट है विच इज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर, यानी जिसकी स्ट्रक्चर डी एस पी टू होना चाहिए। यहां देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो ये अपने पास होगा नहीं, निकल होता है वो एस पी 3 होता है। इसकी बात करें मैग्नीज, मैग्नीज भी अपने पास क्या होता है डी 5 4s, एस पी 3 इसकी स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा। अपने पास बचा कॉपर, तो कॉपर ई एन का होल ट्वाइस 2+, इसके अंदर कॉपर का कॉन्फिगरेशन देखें हम तो कॉपर 2+ होता है तो 3d9 4s1 होता है तो 3d10 4s1 होता है। जब ये कॉपर 2+ में जाता है यानी यहाँ पे 2 अगर नहीं है इसके तो 2+ में जाएगा तो 3d1 यहाँ से गया, 1 यहाँ गया 3d9 हो गया, और 9 आपको पता है तो कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, और ये P S हो गया और ये 3P हो गया। अब क्योंकि EN यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिहेव करता है तो ये चला जाता है यहाँ के D4D में, तो अपने पास बन जाता है खाली एक ये 1 2 3, ये टोटल इलेक्ट्रॉन बचते हैं अपने पास, तो अपने पास ऑप्शन नंबर 2 आएगा DSP2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 49, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डाई एक्वा ट्राई अमाइन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। आपको पता है कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, अपने पास NH3 का होल थ्राइस है, H2O का होल ट्वाइस है और क्लोरो है। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखता हूं तो 3 है तो हमको यहां आना चाहिए 2, तो इस हिसाब से अगर देखिए तो हमारे पास ऑप्शन जाता है 4th। इसमें अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, इसके एक्स होगी ये -1 है, उधर जाके प्लस होगा, ये 2+ है, 3+ में आ जाएगा। अगर ये 3+ नहीं होता तो हमारा आंसर दूसरा होता, बट यहाँ 3+ है तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ई एन नंबर से कार्बोनिल कंपाउंड का ई ए एन से कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव एटोमिक नंबर, और इफेक्टिव एटोमिक नंबर अगर कैलकुलेट करें तो मैग्नीज का 35 आता है और बाकी सभी का अगर कैलकुलेट करें तो क्या आएगा अपने पास 36 आता है, 35 होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका रिडक्शन, और रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑप्शन नंबर 1। यही हमारे साथ टेक्नो के, आपका दिन शुभ रहे, टेक्नो का पेपर डिस्कस किया, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बोटनी, सीएलसी सीकर। तो देखिए स्टूडेंट्स, सीएलसी का जो टेक्नो एग्जाम था, टैलेंट एक्सप्लोरिंग सीएलसी नेशनल ओलंपियाड, उसका जो 12th क्लास का आपका पेपर था, उसमें कुछ बोटनी के क्वेश्चन हैं जिनको अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली रिप्रेजेंट मोनोसियस एंड डायोसियस कंडीशन ऑफ प्लांट। निम्न में से कौन सा युग्म उभयलिंगाश्री और एकलिंगाश्री पादपों को सही निरूपित करता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, एंजियोस्पर्म प्लांट में आवर्त बीजी पौधों में एक तो होता है कि फ्लावरी बाइसेक्सुअल हो, फ्लावर बाइसेक्सुअल मतलब विथ इन ए फ्लावर, ये ए फ्लावर हैव बोथ सेक्स ऑर्गन एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, देन फ्लावर बाइसेक्सुअल, तब तो अपन प्लांट को कोई कैटेगराइज नहीं करेंगे। बट फ्लावर मे बी यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर इट मीन फ्लावर हैव ओनली स्टेमन या स्टेमिनेट फ्लावर, ओनली मेल सेक्स ऑर्गन, और फ्लावर हैव ओनली कार्पल इट मीन पिस्टलेट फ्लावर। अब ए प्लांट हैव बोथ टाइप ऑफ फ्लावर, ए प्लांट हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर बट बोथ टाइप ऑफ फ्लावर, यानी एक पादप एकलिंगी पुष्प रखता है लेकिन दोनों टाइप के एकलिंगी पुष्प अगर रखे वो, यानी स्टेमिनेट और पिस्टिलेट, बोथ फ्लावर प्रेजेंट सेम प्लांट, स्टेमिनेट और पिस्टिलेट ऑन सेम प्लांट, देन द प्लांट इज मोनोसियस। तो मेरे प्लांट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मोनोसियस, यानी एक ही पौधे पर एकलिंगी पुष्प हो बट दोनों प्रकार के एकलिंगी, पुंकेसरी भी और स्त्री के श्री, तो उभयलिंगाश्री हो गया, मोनोसियस प्लांट, यानी बोथ टाइप स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। और ऐसे आपके होते हैं कौन कौन, कैस्टर है, मेज है, मक्का, अब मेज के अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है बट बोथ टाइप के हैं, तो कैस्टर, मेज और कुकरबिट्स, कुकरबिट्स जितने भी होते हैं, जनरली मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिली में बाइसेक्सुअल फ्लावर होता तो बात ही नहीं करेंगे, फिर कुछ एंजियोस्पर्म में यूनिसेक्सुअल फ्लावर बट
both type unisexual on same plant then monoecious maize cucurbits castor or if one plant have one type of flower either staminate or pistillate ek plant par ek hi type ka flower ho jaise ye plant hai to is par ek hi type ke flower honge staminate hoga to fir staminate staminate aur agar pistillate hai to phir pistillate pistillate to hota dioecious jaise papaya hai date palm hai ab in options mein apan dhoondenge student to castor maize both are monoecious to ho nahi sakta papaya and hibiscus papaya dioecious but hibiscus have bisexual flower possible nahi hai castor monoecious plant papaya dioecious to third answer aapka ho jayega arundi cucurbit maize makka ye aapke monoecious hote hain aur papita aur khajur kya hote hain dioecious aur aapko respectively monoecious and dioecious pucha hai phir yahan maize and hibiscus तो मेज मोनोसियस से बट हिबिस्कस में तो बायसेक्सुअल फ्लोर है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट थर्ड ठीक है नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सम स्पीसीज ऑफ एस्ट्रेसी एंड ग्रासेजीज कि अलैंगिक जनन का एक प्रारूप जो एस्ट्रेसी और घासों की कुछ प्रजातियों में लैंगिक जनन का अनुहरण करता है यानी मिमिक है जनरली वो है क्या एसेक्सुअल है देखिए स्टूडेंट एंजियोस्पर्म प्लांट में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के दो टाइप है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल एसेक्सुअल में फेवरेबल कंडीशन में एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो वहां तो अपन सीड की बात ही नहीं करते कि विदाउट सीड एनी पार्ट ऑफ प्लांट लाइक अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम कॉर्म बल्ब ट्यूबर या सम लीफ ब्रायोफिलम लीफ क्लियर या सम रूट लाइक सुगर मतलब पोटेटो जो स्वीट पोटेटो मतलब शकरकंद ये क्या होते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बेस हैं तो ये आपका क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो वहां तो सीड की अपन बात ही नहीं करते बट एक टाइप होता है कि जहां गैमेट फॉर्म भी हो सकते हैं नहीं भी बट गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा विदाउट फ्यूजन फिर भी डिप्लोइड मेगास्पोर मदर सेल से डिप्लोइड ही मेगास्पोर और डायरेक्टली वो डिप्लोइड एग से फिर सीड फॉर्म हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन तो वो होता है एपोमिक्सिस एपोमिक्सिस विदाउट मिक्सिस यानी गैमेट फॉर्म हो गए और गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ और उसी का टाइप होता है एक एगेमोस्पर्मी एगेमोस्पर्मी ए यानी नॉट गेमो यानी गैमेट कि गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ फिर भी क्या स्पर्मी सीड तो ये है तो एसेक्सुअल बट सेक्सुअल का मिमिक हो गया तो इस क्वेश्चन का आंसर 100% क्या हो गया फर्स्ट आंसर हो गया नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 53 मैच द आइटम इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्तंभ एक के घटकों को स्तंभ दो से सुमिलित कर सही विकल्प का आप चुनाव कीजिए तो देखिए स्टूडेंट ये जो 12th क्लास का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन वहां फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोसियम यूनिट है कार्पल स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी कार्पल कंसिस्ट थ्री पार्ट स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवेरी इन एंजियोस्पर्म ओव्यूल कवर्ड ओवेरी वाल और ओव्यूल ओरिजिनेट इन ओवेरी क्लियर तो मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म एनाट्रोपस ओव्यूल This is the anatropous ovule, the body of the main ovule. Then these are protective, clear? These are protective, clear? और ये anatropous ovule है anatropous ovule है ठीक है और ये integuments हैं ये micropyle है ये chelazand है और यहां ये part ovary से ridge outer growth तो स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी ओवेरी की रिज आउट ग्रोथ प्लेसेंटा फिनिकल हाइलम चेलेजा एंड माइक्रोपाइल ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिनिकल फिनिकल इज द स्टाक ऑफ ओव्यूल फिनिकल इज द स्टाक ऑफ ओव्यूल इंटेगमेंट्स आर प्रोटेक्टिव एनवलप ऑफ ओव्यूल हाइलम जंक्शन पार्ट ऑफ द ओव्यूल एंड माइक्रोपाइल स्मॉल ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल ठीक है भाई जो बीजांड का शरीर होता है जो मेन बॉडी होती है ओव्यूल की उससे ओवेरी वाल से जो रिड्स आउटर होती है प्लेसेंटा प्लेसेंटा से एक स्टाक ऑफ ओव्यूल जो है व्रंथ होता है फिनिकल फिनिकल एंड ओव्यूल का जो जंक्शन पॉइंट होता है दैट इज हाइलम यानी मैन प्लांट मैन ओव्यूल बॉडी एंड बिटवीन फिनिकल जो जंक्शन पॉइंट दैट इज हाइलम ठीक है तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट की फर्स्ट का बी सेकंड का
सी, थर्ड का डी, फोर्थ का ए। क्लियर। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54, विच वन फ्लावर इज इनवेरेबली ऑटोगेमस, निम्न में से कौन एक पुष्प निरपवाद से स्वपरागित होगा। तो यहां है ऑब्लिगेट ऑटोगेमी, ऑब्लिगेट ऑटोगेमी। तो जनरली देखिए स्टूडेंट्स कि एक बाइसेक्सुअल फ्लोर भी हो तो बाइसेक्सुअल फ्लोर के अंदर ये एंथर है, ये स्टिग्मा है, तो चांस है ऑटोगेमी के भी, बट जिटेनोगेमी और जिनोगेमी भी हो सकती है। लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लोर हो उसमें अगर मोनोसिस प्लांट है तो मोनोसिस प्लांट प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जिटेनोगेमी, और डायोसिस प्लांट में ओनली क्या होगी, जिनोगेमी होगी। बट एक ऐसी कौन सी कंडीशन है, देखो जिनोगेमी हर जगह हो रही है, बट ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां ओनली ऑटोगेमी हो, ऑब्लिगेट ऑटोगेमी, तो वो होते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लोर। क्लिस्टोगेमस फ्लोर ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लोर होते हैं जो कभी खिलते ही नहीं है, नॉट ओपन। तो क्लिस्टोगेमस यानी अनुन्मिले प्रागने पुष्प, वो द्विलिंगी पुष्प होते हैं जो कभी खिलते ही नहीं है, हमेशा बंद रहते हैं, तो 100% वहां एक ही चीज होगी, ऑटोगेमी यानी सेल्फ पोलिनेशन। तो यहां आपका हो जाएगा क्लिस्टोगेमस फ्लोर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड। आप जानते हो स्टूडेंट्स की एंजियोस्पर्म प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल, दैट इज ट्रू सिनगेमी, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, द रिजल्ट इज डिप्लोइड सेल जायगोट, एंड द सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विद सेकेंडरी न्यूक्लियस विच फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई, देन एन एन टू एन प्लस वन एन थ्री एन। फर्स्टली एंडोस्पर्म का फिर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा कि जायगोट रेस्टिंग में जाएगा, क्योंकि एंडोस्पर्म कुछ स्टेज तक डेवलप कर लेगा तो फिर जायगोट का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो वो किसको प्रोसीड करता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट को। आप जानते हो कि जायगोट से जब एम्ब्रियो फॉर्म होता है तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म टिश्यू। तो आप समझ रहे हैं कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट फर्स्ट आंसर हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है, फ्रूट फॉर्मेशन मीन ही नहीं है, गैमेट फॉर्मेशन मतलब ही नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया स्टूडेंट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इनको आप बहुत अच्छे से देखिएगा अपने एनसीईआरटी से, और जो ट्वेल्थ का एनसीईआरटी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट टॉपिक है वहां से अच्छे से देखिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ संदीप डंगी, टीम जूलॉजी सीएलसी सीकर। जैसे कि आप सभी को पता है कि अपने पास में सीएलसी के एग्जाम टेक्नो 2023 उसके बारे में बात करेंगे जोन थर्ड। अगर अपन बात करते हैं इसके लिए तो अपने पास में जो आपका ट्वेल्थ क्लास का पेपर है जिसके अंदर अपन बात करेंगे जूलॉजी के बारे में, जूलॉजी कुछ पोर्शंस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है। तो ए मेल इज ए हेटरोजाइगस फॉर ऑटोसोमल जीन्स ए बी सी एंड इज आल्सो होमोजाइगस फॉर हीमोफिलिक जीन एच, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ हिज स्पर्म विल बी ए बी सी एच। यदि एक नर एलिंगी जीन ए बी सी के लिए विषमयुग्म जी तथा हीमोफिलिक जीन एच के लिए होमोजाइगस भी है, इसके कितने शुक्राणु ए बी सी एच प्रकार के होंगे। तो इसके बारे में अगर बात करें तो अपने पास में जीन होगा वो इस टाइप से रहेगा और स्मॉल एच, ये इसलिए रहेगा, इसने क्या बोला है अपने पास में होमोजाइगस भी है जीन के लिए, यानी कैपिटल एच स्मॉल एच बोल देंगे इसको अपन लोग। तो यहां से अगर इसके बारे में बात करेंगे अपने पास में क्या होगा, अगर जाएगा तो स्मॉल ए बोला है इसने तो क्या होगा, 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी मल्टीप्लाई बाई इसके अंदर भी 1/2, इसमें भी क्या होगी अपने पास में 1/2, और जो क्रोमोजोम अपने पास में एक्स क्रोमोजोम भी प्रेजेंट रहेगा ये, तो इसमें अपने पास में ये रहेगा, तो इसके लिए भी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी अपने पास में 1/2 रहेगी। तो यहां से अगर अपन देखेंगे इसने पूछा किसके लिए है, ए बी सी और एच के लिए, तो क्या हो जाएगा 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 2, 4, 8, 16, तो कितना जाएगा अपने पास में 1/16 आएगा इसके अंदर, तो जो आंसर जाएगा वो जाएगा सेकंड आंसर जाएगा 57। सिलेक्ट करेक्ट रिगार्डिंग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बहुजनी वंशागति के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे, नो रोल ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब ये होगा कि जब अपने पास में कैरेक्टर होगा एक सिंगल कैरेक्टर होगा, एक सिंगल कैरेक्टर होता है और उसको अपने पास में मल्टीपल जीन क्या करते हैं कंट्रोल करेंगे, वो क्या कहलाएगा अपने पास में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहलाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे, इसमें अपने पास में जैसे स्किन कलर हो गया, स्किन कलर जो एक्चुअल में होगा अपने पास में उसको कंट्रोल करने के कितने जीन आते हैं अपने पास में, थ्री जीन आएंगे इसमें ए बी और सी, ठीक। और स्किन जो अपने पास में कैरेक्टर होगा उसको किसके थ्रू भी कंट्रोल होता है अपने पास में, हॉर्मोन्स के थ्रू भी कंट्रोल किया जाता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उसके थ्रू भी क्या होगा वो कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे बात करें नो रोल ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया इसके अंदर, इसमें पर्यावरण के प्रभाव की कोई भूमिका नहीं होगी।
थ्री जीन्स ए बी एंड सी कंट्रोल स्किन कलर इन ह्यूमन, ये ऑप्शन अपने पास में क्या होगा, सही होगा कि मनुष्य में तीन जीन ए बी तथा सी त्वचा रंग को नियंत्रित करते हैं, ये सही है। ओनली रेसेसिव जीन हैज एडिटिव इफेक्ट ऑन फिनोटाइप, रेसेसिव नाउ के अपने पास में क्या होता है यहाँ पे डोमिनेंट होता, कि जो अपने पास जितने नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील होंगे उतने ही अपने पास में क्या होगा जो फिनोटाइप होगा वो वेरियंट होगा, केवल अप्रभावी जीन का लक्षण प्रारूप पर योगशील प्रभाव होता है, ये भी रॉन्ग हो गया। इन ह्यूमन वी हैव ओनली टॉल और शॉर्ट पीपल एज टू डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव्स, मनुष्य में हमें केवल लंबे अथवा बौने लोगों को दो विभक्ति स्पष्ट विकल्प दृष्टिगत होते हैं, ये रॉन्ग हो गया, किसी की दो ही नहीं रहेंगे अपने पास में, जैसे किसी की हाइट 6 फीट है तो किसी के अपने पास में 5 फीट होगी, किसी के अपने पास में 3 होगी, किसी के अपने पास में 6.2 होगी, किसी की 5.8 होगी, तो ये अपने पास में क्या करते हैं वेरी करेंगे, चेंजेस बल होती हैं, इसलिए अपने पास में दो ही रूप नहीं होते हैं, दो ही फॉर्म नहीं रहेंगे, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा सही वो कौन सा होगा, करेक्ट आंसर 2 ऑप्शन होगा इसके अंदर। इसके बारे में बात करेंगे, टोटल 500 सीट्स वर ऑप्टेंड फ्रॉम द कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस, फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस्ड हैविंग हेटरोजाइगस जीनोटाइप फॉर बोथ कैरेक्टर्स। तो आपको याद होगा कि जब भी अपने पास में क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि अपने पास में दोनों के दोनों पेयर होमोजाइगस होंगे इस टाइप से स्मॉल ए स्मॉल बी, तब अपने पास में क्या होगा, ये पूरी की पूरी अपने पास में जो फिनोटाइप जो अपने पास में पुनिट वर्ग बनेगा पुनिट स्क्वायर बनता है उसमें केवल इसका नंबर सिंगल होगा, और जब अपने पास में एक पेयर होमोजाइगस और दूसरा पेयर हेटरोजाइगस होगा तब इसके नंबर कितने रहेंगे अपने पास में 2, लेकिन जब अपने पास में दोनों के दोनों पेयर हेटरोजाइगस होंगे तो कितने होंगे 4, यानी कि 16 में से अपने पास में कितने रहेंगे 4 रहेंगे। अब इसने पूछा क्या है, कुल 500 बीज प्राप्त होते हैं दोनों लक्षणों के लिए विषमयुग्मनजी, दोनों कैरेक्टर लेके रहेगा अपने पास में विषमयुग्मनजी, तो अपने पास में 4/16 यानी कि 16 में से 4 ऐसे आएंगे जिनमें अपने पास में दोनों के दोनों हेटरोजाइगस रहेंगे, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन लोग 500 से, तो कितना आएगा अपने पास में 1/4, और 1/4 तो कितना जाएगा ये 125 आ जाएगा। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा अपने पास में, फर्स्ट आंसर आएगा 59। विच वन इज नॉट रिलेटेड विद द रीडिस्कवरी मेंडल वर्क, मेंडल के कार्य की पुनः खोज से संबंध निम्न में से कौन सा एक नहीं है। जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए तब उसने देखा उसके एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में अगर हम बात करें कुछ सही थे कुछ गलत थे, तो उन्होंने उन जो रूल्स थे उनके जो प्रिंसिपल थे उन्हीं को या वैसे एक्सपेरिमेंट दूसरे साइंटिस्ट ने किए, तो वो तीन साइंटिस्ट आएंगे अपने पास में, कार्ल कोरेंस आते हैं, ह्यूगो डिवरीज आते हैं और वॉन शेरमार्क आते हैं, ये तीन आते हैं, थियोडोर बोरिस के अंदर नहीं आएगा, तो इसलिए इसके अंदर ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जाएगा। 60, इफ ए क्रॉस इज मेड बिटवीन कैपिटल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए, द नेचर ऑफ F1 प्रोजेनी विल बी, यदि कैपिटल ए कैपिटल ए तथा स्मॉल ए स्मॉल ए के मध्य क्रॉस करवाया जाए तो F1 संतति की प्रकृति होगी, तो कैपिटल ए ये हो गया अपने पास में और अपने पास में स्मॉल ए स्मॉल ए हो गया, दोनों के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो क्या आएगा गेमिट्स, यहां से क्या बनेंगे कैपिटल ए बनेगा और यहां से क्या गेमिट्स बनेगा स्मॉल ए बनेगा, दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, तो जीनोटाइप तो क्या रहेगा इसके अपने पास में कैपिटल ए स्मॉल ए रहेगा, लेकिन जो फिनोटाइपिकली जो होंगे वो अपने पास में कैसे रहेंगे, मतलब यहाँ पे केवल एक का ही अपने पास में कैरेक्टर शो होगा और वो किसका होगा जो डोमिनेंट, और डोमिनेंट को अपने किसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, तो जीन प्रारूप कैपिटल ए स्मॉल ए, लक्षण प्रारूप क्या हो जाएगा अपने पास में ए हो जाएगा, तो इसके अंदर जो आंसर जाएगा अपने पास में वो कौन सा जाएगा, फर्स्ट आंसर जाएगा। 61, एक रोग जो लिंग गुणसूत्री के प्राथमिक अभियोजन के कारण होता है, चलो ए डिजीज कॉज्ड बाय एन एलोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन का मतलब होगा जब अपने पास में क्रोमोसोम सही तरीके से सेपरेट नहीं हो पाते हैं, तो इसके अगर हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम इसी का एग्जांपल रहेगा, लेकिन इसने यहाँ पे बोला है कि इसके लिए एलोसोमल बोला है, जबकि डाउन सिंड्रोम अपने पास में कैसा होगा ऑटोसोमल होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग हो गया। सिकल सेल एनीमिया अपने पास में जीन म्यूटेशन का एग्जांपल होगा, ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड बात करेंगे इसके बारे में क्लाइनफेल्टर के बारे में, तो क्लाइनफेल्टर में क्या होगा अपने पास में 44+XXY, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की अपने पास में क्या आ जाती है कॉपी आ जाती है, चलो तो इसमें जाएगा थर्ड ऑप्शन। 62, एन इंडिविजुअल हेटरोजाइगस फॉर टू लोकाई कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी प्रोड्यूस 1 मिलियन स्पर्म्स, हाउ मेनी स्पर्म्स विल हैव बोथ द डोमिनेंट एलील्स, दो लोकाई कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल के लिए विषमयुग्मनजी एक जीव 1 मिलियन शुक्राणु उत्पन्न करता है,
इसके कितने शुक्राणु में दोनों प्रभावी एलील होंगे। चलो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहां से अपन देखते हैं कि नॉर्मली अपने पास में क्या होगा, इसने पूछा क्या है कि अपने पास में यहाँ पे स्पर्म के नंबर पूछा है जिसमें अपने पास में डोमिनेंट एलील रहेंगे, वही अपने पास में आएगा कि डोमिनेंट एलील अपने पास में एक ही कंडीशन में आएंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल वाली कंडीशन में, और ये दोनों के दोनों अपने पास में क्या है हेटरोजाइगस से, तो क्या आ जाएगा अपने पास में फोर आएंगे इसके नंबर, तो फोर अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाई 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब कितना होगा अपने पास में अगर अपन देखें, यानी कि 10 लाख, तो 1/4 और ये अपने पास 1 मिलियन, तो कितना आ जाएगा अपने पास में 0.25 मिलियन आ जाएगा मिलियन, यानी कि अपने पास में कितना आ जाएगा ये एग्जैक्टली अपने पास में आ जाएगा 2.5 लाख के आसपास आ जाएगा। चलो इसमें आंसर जाएगा कौन सा जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जाएगा इसमें, ठीक है। एट विच एज ऑफ द एम्ब्रियो फर्स्ट टाइम हर्ट साउंड मे बी हर्ड, भ्रूण की किस अवस्था में पहली बार हृदय ध्वनि को सुना जा सकता है, तो भ्रूण की जो अपने हार्ट बीट सुनते हैं अपन कब सुनेंगे, फर्स्ट वीक के सॉरी अपने पास फर्स्ट मंथ के टाइम पे अपन सुनते हैं, तो 4 सप्ताह मतलब 1 महीना हो गया, तो फर्स्ट मंथ के टाइम पे इसको अपन सुनेंगे, और इसी के बेस पे अपन क्या करते हैं कि उसको बताएंगे वो अपने पास में जो एम्ब्रियो होगा या भ्रूण होगा वो डेड है या फिर वो जिंदा है इस टाइप से। चलो क्वेश्चन नंबर 64, अरेंज ए बी सी इन करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, ए बी सी तथा सी उनके एकल कोशिका के आकार के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो अपन बात करते हैं किसके बारे में, एक तो अपने पास में होगा वो कौन सा होगा जायगोट होगा, एक जो होगा अपने पास में वो कौन सा होगा मोरूला, और एक कौन सा हो गया ब्लास्टुला हो गया। तो इनके बारे में अगर अपन देखें तो देखो जैसे अपने पास में फर्टिलाइजेशन होगा तो अपने पास में क्या होगा जायगोट बनेगा, ये मान लो जायगोट बन गया, फिर इसके अंदर अपने पास में क्या होगा सेल डिविजन ना होगा, इसके अंदर होगा अपने पास में क्लीवेज विदलन, और क्लीवेज में अपने पास में क्या होता है अगर अपन देखें तो सेल डिवीजन तो होता है लेकिन उसके अंदर ग्रोथ फेज या जो वृद्धि प्रावस्था रहेगी वो क्या रहेगी इसमें अपने पास में एब्सेंट होगी, ग्रोथ फेज एब्सेंट होती है इसके अंदर, तो जायगोट में जब होगा जैसे मान लो इसके अंदर अपने पास में 2 सेल 4 सेल होगी, फिर जब इसके अंदर जायगोट से मोरूला का फॉर्मेशन होगा तो सेल डिवीजन तो होगा, तो 4 से कितने हो जाएंगे अपने पास में 8 हो जाएंगी, इस टाइप से मान लो आप लोग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होगी अपने पास में, फिर अपने पास में किस में जाएंगे ब्लास्टुला में जाएंगे, तो इसमें और डिवीजन होगा, तो इस बार अपने पास में कितने हो जाएंगे इसके अंदर 16 सेल हो जाएंगी, तो अपने यहां से देखें तो इसके अंदर क्या होगा नंबर ऑफ सेल्स होंगी वो क्या होती जा रही इंक्रीज होती जा रही है, और साइज ऑफ सेल होती जाएगी वो क्या होती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन जो अपने पास में पर्टिकुलर इस जायगोट की मोरूला की और ब्लास्टुला की जो साइज रहेगी वो क्या रहेगी सेम रहेगी, लेकिन इन्होंने पूछा क्या है एकल कोशिका के आकार, तो आकार के बारे में बात है तो सबसे जो लार्जेस्ट सेल रहेगी वो किसमें प्रेजेंट रहेगी अपने पास में जायगोट में फिर मोरूला में और फिर किसमें ब्लास्टुला में, तो जायगोट मोरूला एंड ब्लास्टुला, तो ए बी एंड सी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा सेकेंड ऑप्शन जाएगा, इसके अंदर सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 65, विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स, कौन से कथन सही हैं, मोन्स प्यूबिस इज ए क्यूशन फैट ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाई स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स, ये एनसीईआरटी की जो लाइन है उसी से पेपर अपने पास में, मोन्स प्यूबिस एक त्वचा जो अपने पास में क्या करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक्सटर्नल जेनिटेलिया का फॉर्मेशन करेगा बाह्य जननांगों का निर्माण करता है, तो मोन्स प्यूबिस एक त्वचा तथा प्यूबिक बालों द्वारा आवृत वसा उत्तक की गद्दी होती है, तो पहला ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। द ओपनिंग ऑफ द वेजन इज ऑलवेज ऑलवेज नॉट कवर्ड, कवर्ड का मतलब अपने पास में होगा कंप्लीटली, ऑलवेज कवर्ड कंप्लीटली बाय हाइमन, कंप्लीटली नाउ के अपने पास में यहाँ पे क्या आएगा पार्शियली आएगा आंशिक रूप से, जो अपने पास में पार्शियल रूप से इसको क्या किया जाएगा कवर किया जाएगा, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन, द क्लाइटोरिस इज टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया मेजोरा, मेजोरा नो के यहाँ पे क्या आएगा अपने पास में टू लेबिया माइनोरा में आएगा, तो क्लाइटोरिस एक छोटी अंगुली सदृश संरचना है जो दो लेबिया मेजोरा के ऊपरी संधि स्थल पर पाई जाती है, तो ये ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर ये भी गलत हो गया। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलेबल इंडिकेटर ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस, हाइमन की उपस्थिति या अनुपस्थिति लैंगिक अनुभव का विश्वसनीय संकेत नहीं है, कि अगर हम बात करें नॉर्मली कि नॉर्मली फर्स्ट टाइम जब कोइटस होगा तो ऐसे माना जाता है कि हाइमन झिल्ली या हाइमन मेम्ब्रेन होगी वो ब्रेक डाउन हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हाइमन मेम्ब्रेन अपने पास में फर्स्ट टाइम पे प्रेजेंट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, नॉर्मली हॉर्स राइडिंग टाइम पे बाइसिकलिंग टाइम पे इनका क्या हो सकता है ब्रेक डाउन हो सकता है, तो इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन भी क्या होगा इसके अंदर रॉन्ग होगा सॉरी राइट होगा इसके अंदर,
तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्या रहेंगे इसके अंदर, राइट रहेंगे, थर्ड 66 के बारे में बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. इन द ट्रांसवर सेक्शन ऑफ ग्लांस पेनिस एज, शीशन मुंड के अनुपस्थ काट में होता है, तो शीशन जो अपने पास में ग्लांस पेनिस होगा उसके अंदर, उस ग्लांस पेनिस का एक्चुअल में जो फॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, कॉर्पोरा स्पॉन्जिसम के थ्रू ही होगा, कॉर्पस स्पॉन्जिसम. तो इसके अंदर केवल यही प्रेजेंट रहेगा, तो इसमें केवल कौन सा ऑप्शन जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन ए डेवलपिंग फिटस बाई एम्नियोसिंथेसिस, निम्न में से कौन सा रोग का परिवर्तनशील गर्भ में एम्नियोसिंथेसिस द्वारा निदान नहीं किया जा सकता. तो एम्नियोसिंथेसिस का मतलब ये रहेगा कि अपने पास में अपन एम्ब्रियो, जैसे मान लो अपने पास में ये एम्ब्रियो हो गया, उसके सराउंडिंग में एम्नियोटिक मेम्ब्रेन हो गई, तो इन दोनों के बीच में जो अपने पास में लिक्विड हो उसे अपने एम्नियोटिक कैविटी कहेंगे, और इसमें जो प्रेजेंट फ्लूड होगा उसे अपन एम्नियोटिक फ्लूड कह देते हैं. इस फ्लूड को अपन इंजेक्शन के थ्रू क्या करेंगे, बाहर लेते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं इसके अंदर, इसको अपन जब इसकी स्टडी करते हैं तब अपन जो क्रोमोजोम डिसऑर्डर रहेंगे या क्रोमोजोम के बारे में बता कर सकते हैं अपन लोग इस टाइप से. तो अपने पास में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होगा, अपने पास में ये क्रोमोजोम से रिलेटेड होगा, इसलिए इसके बारे में पता कर सकते हैं. सेक्स ऑफ द फिटस यानी कि गर्भ का लिंग, इसके बारे में पता कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास में अगर एक्स क्रोमोजोम होगा दोनों के दोनों तो वो फीमेल होगी, और एक वाई होगा तो फिर वो मेल हो जाएगा. डाउन सिंड्रोम ये भी अपने पास में क्रोमोजोम से रिलेटेड होगा, तो इसके अंदर भी हो सकता है. जॉन्डिस अपने पास में डाइजेस्टिव से रिलेटेड होगा, इसलिए इसके बारे में अपने पता नहीं कर सकते, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन जाएगा. 68 एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रेफर टू एज, स्थानिक सगर्भता संदर्भित होती है. नॉर्मली आपको पता है कि जो प्रेगनेंसी होती है या जो इम्प्लांटेशन होगा वो कहाँ पे होगा, यूट्रस में होता है, वो नॉर्मल प्रेगनेंसी है, नॉर्मल इम्प्लांटेशन है. लेकिन यूट्रस के अलावा किसी दूसरे पार्ट में अगर इम्प्लांटेशन होता है, जैसे मान लो अपने पास में जैसे फेलोपियन ट्यूब में हो गया इस टाइप से, तो इम्प्लांटेशन अपने पास में होगा इस यूट्रस वाले पार्ट के अंदर होगा. लेकिन अगर फेलोपियन ट्यूब में होगा या फिर अपने पास में वजाइना में या सर्विक्स कैनाल में हो जाता है, तब उसे अपन क्या कह देंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कह देते हैं. तो इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो ऑन एनी साइट अदर देन यूट्रस, भ्रूण का गर्भाशय के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर रोपण. 69 एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमर्स फॉर्म ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू, पात्र निषेचन द्वारा बनने वाली 16 से अधिक कोरक खंड युक्त भ्रूण का स्थानांतरण किया जाता है. कि जब अपने पास में टेस्ट ट्यूब होती है, जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब हो गई इस टाइप से, इसके अंदर अपने पास में जायगोट का फॉर्मेशन हुआ. अब जायगोट में अपने पास में दो सेलुलर स्टेज आएंगे, एक तो अपने पास में 8 और एक आएगी अपने पास में 16. तो 8 सेलुलर स्टेज हो गया, जो अर्ली स्टेज होते हैं उसको तो अपन कहां पे ट्रांसफर करेंगे, फेलोपियन ट्यूब में यानी कि निषेचन नलिका में. और मोर देन 16 होगी उसको अपन कहां पे ट्रांसफर करते हैं, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, यानी गर्भाशय में ट्रांसफर कर देंगे. तो कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें अपने पास में, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा 69 में. 70 द गिवन फिगर शोज वन ऑफ द एलिमेंट रिलीजिंग इंट्रायूटराइन डिवाइसेस, सेलेक्ट द ऑप्शन विच शोज द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिवाइस एंड इट्स फीचर. दिए गए चित्र में एक तत्व को स्रावित करने वाला अंतः गर्भाशय यंत्र को दिखाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इस यंत्र की सही पहचान तथा उसका लक्षण है. तो ये जो अपने पास में डायग्राम है वो किसका अपने पास में, कोपर्टी का डायग्राम है. और कोपर्टी अपने पास में देखिए तो केवल इसके अंदर एक ही ऑप्शन में रखिए, कहां पे, केवल फर्स्ट ऑप्शन में, तो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ तो क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे. और इसका जो एक्चुअल में फंक्शन होगा वो क्या होगा, ये यूट्रस की जो अपने पास यूट्रस के अंदर सर्विक्स के अंदर जो फ्लूड होगा उसको क्या कर देगी, वो थिक करेगी, जिससे स्पर्म की जो अपने पास मोर्टिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाती है, और जिससे फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी अपने पास में, रिड्यूस हो जाएगी. तो इसमें जो ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही जाएगा 70 में फर्स्ट. 71 विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी प्रोबेबल पैथोजन इन पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम नेजल कंजेशन. ये अपने पास में यहाँ पे किसी डिजीज के सिम्टम्स दे रखे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं वो. तो नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, होर्सनेस, टायर्डनेस. एक व्यक्ति जो नासा संकुलन तथा बहाव, खराश, थकावट आदि से ग्रसित है के निम्नलिखित में कौन सा संभावित रोगजनक हो सकता है. तो ये जो सिम्टम्स अपने पास है वो किसके हैं, कॉमन कोल्ड के हैं, सामान्य जुकाम के हैं, कॉमन कोल्ड. और कॉमन कोल्ड अपने पास में किसके द्वारा होगा, राइनो वायरस के द्वारा होता है. राइनो वायरस जो कि अपने पास में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वायरस होगा, किसी पर्टिकुलर वायरस का नेम नहीं है, ग्रुप ऑफ वायरस का समूह होगा ये. चलो इसमें जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, थर्ड आंसर जाएगा इसमें. 72 चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्केरिसिस. एस्केरिसिस के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए. तो एस्केरिसिस एक अपने पास में डिसऑर्डर होगा, और ये किसके वजह से होगा अपने पास में, एस्केरिसिस लुम्ब्रिकॉइड्स के थ्रू होता है ये अपने पास में,
लुम्ब्रिकोइड्स, और ये एस के हेलिमेथिस का क्या रहेगा अपने पास में, मेंबर होगा। इन दिस डिजीज पर्सन एक्वायर्ड इन्फेक्शन थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर वेजिटेबल फ्रूट एक्सेट्रा, कि जब अपने पास में क्या रहेंगे कुछ कंटेमिनेटेड फूड वाटर वगैरह ये होते हैं जिसके अंदर पहले से एस के रिस्क एक परसेंट रहेंगे, अगर उनका अपन डायरेक्टली क्या कर लेते हैं सर्व कर लेते हैं उनको या अपने बॉडी के अंदर इनहेल कर लेते हैं तो उसके वजह से अपने पास में डिसऑर्डर हो सकता है। और इसलिए कहा जाता है कि जब भी अपन बाहर से कुछ सब्जी खाएं या जो जो भी अपन सामग्री लेके आते हैं, थिंग्स लेके आएंगे, जो भी चीजें लेके आते हैं, उनको पहले वाटर के अंदर कुक करना चाहिए, अपने को बॉइल करना चाहिए, उसके बाद में उनको अपन खाना चाहिए। इस रोग में व्यक्ति दूषित जल सब्जियां फलों के द्वारा संक्रमित अर्जित करता है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। इट इज एन इंटेस्टिनल पैरासाइट कोज, ये अपने पास में स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, उसके वजह से एब्डोमिनल पेन भी होगा, मस्कुलर पेन होगा, एनीमिया हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, वो सारे सारे इसके सिम्टम्स हैं। तो इट इज एन इंटेस्टिनल पैरासाइट कोज इंटरनल ब्लीडिंग ड्यू टू डैमेज ऑफ इंटेस्टिनल म्यूकोसा, ठीक है, यह एक आंत्रीय परजीवी है जो आंत्रीय म्यूकोसा को क्षतिग्रस्त करके आंत्रिक रक्त स्राव उत्पन्न करता है, ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। एब्डोमिनल पेन, फीवर, एनीमिया, कॉन्स्टिपेशन आर कॉमनली सिम्टम्स, इसके उदरी पीड़ा, जवर, एनीमिया तथा कब्ज सामान्य लक्षण होंगे। जेनेटल ऑर्गन्स आर इफेक्टेड, ये ऑप्शन इसके अंदर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, इसके अंदर जेनेटल ऑर्गन्स इफेक्टेड नहीं होते हैं, नॉर्मली ये जो डिसऑर्डर होगा वो अपने पास में चाइल्ड के अंदर ज्यादा होता है। 73 मेज द कॉलम फर्स्ट एंड मेज द कॉलम सेकंड, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा अपने पास में क्या करेगा, ये न्यूमोनिया करता है, तो ए में अपने पास में क्या हो गया, थर्ड हो गया, ए में थर्ड। एंटमीबा हिस्टुलाइटिका, वो अपने पास में क्या करवाएगा, अमीबेसिस करवाता है, तो इसमें अपने पास में कौन सा हो जाएगा, बी में 5 हो जाएगा। सी में बात करें प्लाज्मोडियम फैल्सिफॉर्म जो करवाएगा, क्या करवाएगा, मलेरिया करवाएगा, मैलिग्नेंट मलेरिया, तो इसमें हो गया फर्स्ट हो गया। वुचेरिया बैंक्रोफ्टाई, वो क्या करवाएगा, एलिफेंटिस, हाथीपाव रोग करवाएगा वो, तो डी में कौन सा हो गया, सेकंड हो गया, डी में हो गया अपने पास में सेकंड। साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड करवाएगा, तो ई में कौन सा हो गया, 4 हो गया, ई में 4, चलो ये दोनों तो गलत हो गए, ए में फर्स्ट, ए में क्या आ रहा था, ए में थर्ड आ रहा है, तो इसमें अपने पास में जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, सेकंड आंसर जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज इन द इरिथ्रोसाइटिक साइकिल इन एसेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मेन, मनुष्य में प्लाज्मोडियम के अलैंगिक चक्र में इरिथ्रोसाइटिक चक्र के विभिन्न चरणों के संयोजन क्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले अपने पास में क्या होगा, वो लीवर, जैसे मान लो अपने पास में ह्यूमंस के अंदर वो दो ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा, किस किस को, अपने पास में सबसे पहले फिट करेगा वो लीवर को, लीवर के बाद में कहां पे जाएगा, वो आरबीसी में जाएगा। तो सबसे पहले जब वो आरबीसी के अंदर जाएगा तो अपने पास में वहां से किस फॉर्म में रिलीज होगा, वो ट्रोफोजोइट फॉर्म में, ट्रोफोजोइट से अपने पास में किसके अंदर आएगा, अपने पास में सिग्नेट रिंग होगी, अपने पास में इस टाइप से ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगी, तो इसे अपन कह देते हैं सिग्नेट रिंग कह देंगे। फिर इसमें जो होगा अपने पास में कौन सा शेप बनेगा, अमीबोइड, अमीबोइड शेप बनेगा, और लास्ट में जो आएगी अपने पास में कौन सी स्टेज आएगी, साइजोंट आएगी। तो ये अपने पास में क्या होते हैं, स्टेज रहेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास में जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, ट्रोफोजोइट अमीबोइड, रॉन्ग हो गया, अमीबोइड ट्रोफोजोइट, रॉन्ग हो गया, ट्रोफोजोइट साइजोइट नहीं, ट्रोफोजोइट सिग्नेट रिंग आएगा अपने पास में, तो इसमें जाएगा आंसर फोर्थ। असत्य कथन का चयन कीजिए, सिलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ए मोनोमर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैज 4 पेप्टाइड चेन्स, आपको याद होगा प्रतिकृषि के एकल अणु में 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, सही है, H2L2, दो हेवी और दो लाइट चेन। बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज बट नॉट हेल्प इन मेमोरी, ये रॉन्ग हो गया, बी कोशिकाएं प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं परंतु स्मृति में सहायक नहीं होती, गलत हो गया। जब अपने पास बी लिम्फोसाइट होते हैं इसमें 2 टाइप की सेल रहेंगी, तो कौन सी, प्लाज्मा सेल रहेंगी, और एक अपने पास में रहती है मेमोरी सेल, मेमोरी सेल अपने पास में स्मृति रखने का काम करेंगे, यानी कि मेमोरी रखने का कार्य करते हैं, और प्लाज्मा सेल क्या करेंगे, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेंगी, तो इसमें सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो इसमें जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, सेकंड ही जाएगा। थर्ड ऑप्शन के बारे में और बात करते हैं, सम टी सेल्स डायरेक्टली अटैक ऑन एंटीजेंस, जैसे अपने पास में टी साइटोटॉक्सिक सेल होगी, अपने पास में टी सी सेल होती हैं, वो क्या करेंगी अपने पास में डायरेक्टली अपने पास में परफोरिंस का सिक्रेशन करेंगी और वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं, तो थर्ड भी सही हो। सम टी सेल्स हेल्प द बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, कुछ टी कोशिकाएं बी कोशिकाओं को प्रतिरक्षा उत्पादन करने में सहायता करते हैं, जैसे टी हेल्पर सेल, वो एंटीबॉडी को क्या करेगी, जो प्लाज्मा बी सेल्स होती है उसको स्टिमुलेट करती है फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आपका पेपर काफी अच्छा हुआ होगा, थैंक यू, जय सेल्सी। हेलो स्टूडेंट, माई सेल रिंकेश कुमार गुप्ता। तो अपन डिस्कस करते हैं टेक्नो 23 के 12th क्लास के जोन 3rd और 4th के क्वेश्चंस। 75 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सर, अब अपन मैथमेटिक्स के
पार्ट डी के 76 से 100 तक के क्वेश्चंस बेटा बनाने में डिस्कस करते हैं। तो देखो 76 क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन गिवन है आपको एफएक्स इज इवन फंक्शन ऑड एलजेब्रिक और डिसकंटिन्यूअस। तो देखो इसमें क्या करना है, अगर कोई फंक्शन इवन ऑड है तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, एक्स की जगह रिप्लेस करते हैं भाई माइनस एक्स। तो एक्स को जब माइनस एक्स लोगे तो क्या आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 6 माइनस, इसके आगे माइनस आ गया। अभी अपन ने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई फंक्शन इवन ऑड है तो अगर माइनस कॉमन आ गया मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स, तो ऑड फंक्शन, और एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ एक्स, तो देन इवन फंक्शन। तो इसमें क्या थीम है, अभी तो ऐसे लग रहा है कि फंक्शन आपका चेंज है, बट आप क्या करो, या तो इसको कॉन्जुगेट से करो मल्टीप्लाई डिवाइड, या फिर दूसरी थीम क्या होती है कि जो इक्वेशन गिवन है आपको एफ एक्स और जो आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया है उनको एक बार ऐड करें या एक बार सबट्रैक्ट करो। अगर बाई चांस आपने इन दोनों को ऐड किया तो ऐड करने पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, ध्यान देना सभी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए प्लस लॉग बी का मतलब लॉग ए बी, दिस इज लॉग ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लाई, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे ही आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो क्या गया, 1 प्लस एक्स की पावर 6 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा माइनस एक्स सिक्स, तो लॉग 1, और लॉग 1 की वैल्यू क्या होगी 0, तो देन इससे आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स, तो देन इसका आंसर क्या होगा, ऑड फंक्शन। ये एलजेब्रिक फंक्शन है ही नहीं, ये कैसा फंक्शन है बोलो, लॉगरिथमिक, और ये इसकी डोमेन आर है, एक्स की ऑल वैल्यू को क्या करेगा सेटिस्फाई, तो ये फंक्शन ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन, तो इसका ओनली सेकंड ऑप्शन फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स। तो ध्यान दें, जब भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या चाहिए रेंज, तो अपन जनरली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, उसकी डोमेन फाइंड आउट करते हैं। तो इसकी डोमेन क्या होगी, माइनस वन से वन, टेन इनवर्स की डोमेन आर, और सेक इनवर्स की डोमेन क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। तो आप ध्यान दें सभी, जब इसकी डोमेन माइनस वन से वन है और दिस पार्ट की डोमेन दिस, तो इन दोनों का जब कॉमन लोगे तो ओनली हमारे पास टू एलिमेंट होंगे वन एंड माइनस वन। तो जब इनपुट आपके टू एलिमेंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट होगा उसको क्या बोलते रहें, तो आप क्या करो इस फंक्शन एफ एक्स में एक बार तो एक्स को पुट कर दो वन। तो जब आप x को 1 लोगे तो साइन इनवर्स 1 क्या हो गया, पाई बाई 2, अगला पाई बाई 4, और sec इनवर्स 1 इज 0, तो एक वैल्यू तो क्या जाएगी 3 पाई 4, और जब x को क्या लोगे बच्चों माइनस 1, तो साइन इनवर्स माइनस 1 इज माइनस पाई बाई 2, अगला माइनस पाई बाई 4, और ये क्या बन जाएगा sec इनवर्स माइनस 1 इज पाई, तो देन इसके आंसर क्या होंगे, पाई बाई 4 कोमा 3 पाई 4, करली ब्रैकेट में, क्योंकि ओनली टू एलिमेंट का सेट है। अगला क्वेश्चन क्या है, लेट एफ एक्स इज ए पॉलीनोमियल फंक्शन हुज सेटिस्फाई द रिलेशन ऑफ दिस पार्ट। एक एफ एक्स पॉलीनोमियल फंक्शन है जो इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। एफ ऑफ 465 गिवन था आपको एफ ऑफ 6 चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए, जब भी एफ एक्स एक पॉलीनोमियल फंक्शन गिवन हो और वो इस रिलेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई, तो आप सीधा रिमेंबर दिस, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम लेट करते हैं प्लस माइनस एक्स की पावर एन प्लस 1। अब प्लस माइनस की डिसीजन और n के लिए हमको कंडीशन गिवन है f ऑफ 4, तो f ऑफ 4 क्या जाएगा, प्लस माइनस 4 की पावर n इक्वल टू 64 का मतलब 4 का क्यूब। अब लेफ्ट इक्वल टू राइट कब हो सकता है, एक तो लोगे टेकिंग प्लस, क्योंकि प्लस इक्वल टू प्लस जब भी तो 64 आ सकता है, और एक हो गया n इक्वल टू 3, तो फाइनली टेकिंग प्लस लेना है और ये फंक्शन आ गया x क्यूब प्लस 1, तो x को 6 लेना है, तो f ऑफ 6 क्या कट, 6 का क्यूब 216 और 1 1 217, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस 2, देन दिस पार्ट। देखो इस क्वेश्चन की थीम क्या थी, ध्यान देना थोड़ा, ये जो लास्ट टर्म है इसको अपन लिख सकते हैं f ऑफ 1 माइनस फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 2023। सिमिलरली इसकी जो सेकंड लास्ट टर्म है वो 21 होगी, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 अपॉन 2021। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में वो कह रहा है अगर अपन इसको x मानते हैं तो f ऑफ x, तो इस क्वेश्चन में किसका रोल था, बेसिकली
एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स का, तो अब क्या करना, जो अपना ये फंक्शन एफ एक्स, इसमें एक्स को रिप्लेस करना माइनस वन माइनस एक्स, तो दोनों को जब ऐड करोगे ना बेटा तो वैल्यू वन आती है। इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट सम का सम वन आ गया, सेकेंड सेकेंड लास्ट का सम वन है, और एक टोटल टर्म है 2022, तो इसका जब हाफ करोगे तो क्या जाएगा 1011, मतलब इसमें 1011 पेयर्स बनेंगे तो टोटल सम क्या जाएगा 1011, तो देन इसका सेकेंड ऑप्शन आपको फिल करना है। अगला क्वेश्चन क्या है आपको, ये बीच में इक्वल है, सॉरी, एक एफ एक्स इक्वल टू गिवन दिस पार्ट जी एक्स कॉस एक्स, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, डोमेन ऑफ एफ जी स्क्वायर एक्स, डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स अप टू सो ऑन। तो ध्यान दो, अगर एफ एक्स फंक्शन आपका डिफाइन हो तो उसके लिए डोमेन की कंडीशन क्या होगी, रूट के अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव, तो ये सोल्व करने पर जाएगा एक्स बिलोंगिंग टू माइनस टू से वन, और जी एक्स की डोमेन तो क्या होगी, इसको डी टू मान लेते हैं, लेट आर, इसकी डोमेन आर है कॉस एक्स की, इसकी डोमेन आ चुकी है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, एफ ऑफ जी स्क्वायर एक्स, तो ध्यान दें एफ ऑफ जी स्क्वायर एक्स में क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, तो यार कॉस स्क्वायर एक्स का जो इनपुट है वो हमेशा जीरो से वन होगा, तो जीरो से वन इस एफ का इनपुट होगा, कॉस स्क्वायर एक्स का जो आउटपुट है जीरो से वन वो एफ का इनपुट होगा, तो हाँ एफ के इनपुट में मैं जीरो से वन पुट कर सकता हूँ, तो ये फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या होगी, आर होगी, क्या होगी, आर, और डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, तो अगर केवल जी एक्स माना फिर भी इसकी डोमेन क्या होगी, बोलो आर, तो ये स्टेटमेंट तो आपका ट्रू है, दोनों की डोमेन क्या होगी, बोलो आर। अगला क्या है, एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स की डोमेन तो क्या ही थी हमारे पास, आर, अब अगर जी ऑफ एफ एक्स लिख दिया जाएगा तो जी ऑफ एफ एक्स की डोमेन, जी ऑफ एफ एक्स की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, इसका मतलब कोस कोस को अंदर लेना है, तो ये क्या जाएगा, कोस एक्स बिलोंगिंग टू माइनस टू से वन, ये सही बात है, कोस एक्स बिलोंगिंग टू हो जाएगा माइनस टू से वन, इसका मतलब इसके लिए भी एक्स क्या होगा, आर। दोबारा ध्यान दे, अगर मैंने इसको जी ऑफ एफ एक्स कर दिया तो जी ऑफ एफ एक्स में इसका इनपुट कितना, माइनस वन से वन, सॉरी माइनस टू से वन, और ये इनपुट एफ एक्स का जो इनपुट है उस इनपुट से क्या होगा, एफ की जो रेंज है वो क्या होगी, जीरो से समथिंग, क्योंकि एफ एक्स में रूट आ रहा है, तो ये जो इसका इनपुट है आउटपुट एफ एक्स का वो जी में क्या होगा इनपुट, और जी की डोमेन आर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली जी ऑफ एफ एक्स की रेंज क्या होगी, एफ एक्स की डोमेन, तो माइनस टू से वन, तो इसकी डोमेन आर, इसकी माइनस टू से वन, तो कॉमन माइनस टू से वन, और इसकी डोमेन भी माइनस टू से वन, तो इसका मतलब इसकी डोमेन माइनस टू से वन है, तो ये सही बात है कि इसकी जो डोमेन है वो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम जी ऑफ एफ एक्स आ रहा है, इनकी डोमेन का एलसीएम क्या आएगा, इन सॉरी इन दोनों की डोमेन का कॉमन पार्ट क्या आएगा, जी ऑफ एफ एक्स की डोमेन, तो इसकी इक्विवेलेंट है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है, तो देन इसका ओनली फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, तो आपको सेकेंड ऑप्शन फिल करना है, बाकी आप आगे के ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग वेरीफाई कर सकते हो। 81 तो सिंपल क्वेश्चन है, जो ये कौन है आपको एफ डैश एक्स गिवन है, डी एफ एक्स, दिस इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको इसका डी ओवर डी एक्स चाहिए, तो क्या करें, पहले एफ का कर दो, तो ये आ गया एफ डैश एक्स क्यूब इंटू थ्री स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स क्यूब में क्या होगा, इसकी जगह एक्स क्यूब रख दो, तो क्या आ गया 3x² / 1+x^6, तो देन इसका सेकंड ऑप्शन आपको फिल करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन अलग वैरायटी का, थोड़ा इसमें बोला गया कि जो साइन वर्स एक्स है उसका इनपुट तो माइनस वन से वन है, लेकिन उसकी रेंज आपको उनको पाई बाई टू से 3π/2 लेट करनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है, कोस इनवर्स की जो अपन पढ़ते हैं वो भी माननी है, तो कह रहा है कि बताओ साइन वर्स एक्स पर कोस इनवर्स को पाई बाई टू, ये बात तो गलत है, साइन वर्स पर कोस इनवर्स की वैल्यू पाई बाई टू केवल जब लिख सकते हैं जब दोनों का आउटपुट, इसका आउटपुट तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो और कोस इनवर्स का आउटपुट जीरो से पाई। अब अपन सेकंड ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं, तो क्या किया इसके लिए, ध्यान दो इसको देखना है कि पाई बाई टू होगा क्या, काम करो इसमें हमने पुट कर दिया लेट एक्स इक्वल टू कोस थीटा, तो एक्स को कोस थीटा तो क्या है,
साइन वर्स कोशिटा और कोशिटा को साइन 3π/2 माइनस थीटा, एक बार समझना सभी, ये सॉरी साइन π/2 माइनस थीटा और ये आ गया कोस इनवर्स कोस, तो थीटा जाएगा। एक्स को कोस थीटा माना है तो ध्यान दे इसमें थीटा 0 से पाई है, थीटा क्या 0 से पाई है। अब आप एक बात समझो, हमको साइन से साइन इनवर्स कैंसिल करना है, लेकिन साइन से साइन इनवर्स कैंसिल करने का ऑप्शन क्या होगा जब थीटा π/2 से 3π/2 हो, तो थीटा को जब 0 लोगे तो π/2 आ रहा है और पाई लोगे तो नेगेटिव, तो इसका मतलब इसको स्मॉल करना था। काम करें, इस थीटा अगर आपको 0 से पाई गिवन है इसको स्मॉल करना है, तो मैंने क्या किया माइनस पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया माइनस पाई से 0। अब इस इंटरवल को थोड़ा स्मॉल लाना है, हमको लाना π/2 से 3π/2, तो इसको π/2 से 3π/2 में लाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे 3π/2 ऐड करेंगे, ध्यान देना। तो जब आप इसमें 3π/2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा π/2 और इधर भी क्या आ गया बोलो 3π/2, मतलब अल्टीमेटली इससे हमारा काम हो जाएगा। तो हम इसको ये ना लिख के फिर क्या लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 3π/2 माइनस थीटा माइनस के थीटा, बट ये बात ध्यान दे साइन इनवर्स 3π/2 माइनस थीटा क्या होता है साइन 3π/2 माइनस बार आएगा तो एक माइनस आपको इधर लगाना पड़ेगा। तो अब साइन से साइन इनवर्स काट सकते, लेकिन ध्यान दो साइन इनवर्स के अंदर माइनस आ रहा है तो सीधा माइनस को बाहर नहीं लेना, हमको इस पोर्शन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, तो इसमें अपन को अलग से डेरिवेशन करना पड़ेगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखें नॉट माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि जब माइनस वन से वन में आंसर π/2 से 3π/2 आ रहा है तो इस पोर्शन को लाने के लिए क्या करेंगे उसका डेरिवेशन अलग से करो। तो इसमें मान लो कि लेट एक्स को साइन थीटा, तो इसको ए मान के कर लेते हैं, इसको ए माना तो क्या आ गया साइन ए इक्वल टू आ गया माइनस के एक्स, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन ए। तो अब ए को क्या करो आप 3π/2 माइनस ए की फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो इसको कंप्लीटली जब सॉल्व करोगे तो इसका सेकंड ऑप्शन बेटा वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। चलो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट कर सकते हैं। 83 का है तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो साइन इनवर्स के अंदर माइनस कॉमन लोगे, पहले इसको सोल्व कर देते हैं, इसका मीनिंग क्या गया माइनस साइन इनवर्स साइन, इसको स्प्लिट कर सकते हैं अपन 45 में कर दो, 45π + 5π/9, तो कितना बन गया ये बन गया 5π + 5π/9 का हो जाएगा 100 डिग्री, ध्यान देना डिग्री भी लिख देते इसको, और ये आ गया कोस इनवर्स कोस, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 31π का मतलब 27π + 4π, तो ये आ गया 3π + 4π/9 का मतलब 80 डिग्री, यस सर। तो ध्यान दो 5 + θ थर्ड में साइन नेगेटिव तो माइनस बार माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 100 डिग्री प्लस 3π + 80 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस नेगेटिव तो माइनस बार आएगा, लेकिन कॉस इनवर्स माइनस को क्या लगते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 80 डिग्री, इसमें तो सीधा कैंसिल क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस थीटा को थीटा कब लिखेंगे जब थीटा 0 से पाई है, लेकिन इसमें क्या होगा साइन इनवर्स साइन थीटा को थीटा का मतलब माइनस π/2 से π/2, तो आप साइन 100 को साइन 80 लिख सकते हो ना, तो 80 डिग्री आ गया, तो आ गया 80 + π - 80 डिग्री, 80 डिग्री कैंसिल तो क्या आ गया पाई, तो sec पाई की वैल्यू क्या होती है बोलो -1, तो देन इसका फोर्थ ऑप्शन आपको फिल करना है। अगला क्वेश्चन तो सिंपल है, आपको fx गिवन है, एफ इनवर्स पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो एक काम करो इसका इनवर्स फाइंड आउट कर दो, तो y इक्वल टू क्या जाएगा log x टू दी बेस n, तो x इक्वल टू क्या आ गया m की पर y, तो फाइनली हमारे पास इनवर्स फंक्शन क्या आ गया f इनवर्स x m की पावर x, तो f इनवर्स p प्लस क्यू तो x की जगह p प्लस क्यू रख दो, तो क्या जाएगा ये m की पावर p और m की पावर q, तो f इनवर्स p तो आ गया m की, तो मतलब आ गया f इनवर्स p into f इनवर्स q, तो देन इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, द कॉट ऑफ सिग्मा एन इक्वल टू 1 से 23 कॉट इनवर्स 1 प्लस सिग्मा, इसका मतलब क्या है, 1 से लेके n का सम तो 2 × n × n+1/2 ये 2 कट गया तो आ गया n² + n, तो फाइनली क्या आ गया, अलग से देखो पहले सिग्मा एन इक्वल टू 1 से 23 कोट इनवर्स 1 प्लस n × n² तो हम क्या करते हैं, जब भी इनवर्स की सीरीज को सॉल्व करना है तो हम जनरली इसको टेन इनवर्स में करते कन्वर्ट, तो इसको क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स रिवर्स कर दो तो आ जाएगा 1/1 प्लस, तो इसमें क्या करो n कॉमन ले लो आप, इसको हमको क्या करना है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का बनाना है फॉर्मूले, लो बन गया एक्स वाई, तो आ गया टेन इनवर्स एन प्लस वन माइनस टेन इनवर्स एन, तो फाइनली आ जाएगा सिग्मा एन इक्वल टू 1 से 23 टेन इनवर्स एन प्लस वन माइनस टेन इनवर्स एन। अब आप ध्यान दो ये वन बाई टर्म्स क्या होंगे, कैंसिल आउट, तो वन लेने पे क्या होगा 2 और 1, 2 पे 3 और 2 तो 2 कट गया, तो एक तो क्या होगा टेन इनवर्स 1 मतलब माइनस के टेन इनवर्स, मतलब माइनस के पाई फोर बचेगा और 23 बचेगा टेन इनवर्स 24, तो फाइनली इसका सम आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स 24 माइनस के पाई बाई 4। अब इसके आगे लगा रखा बाद में कोट, तो इसको कोट को दोबारा सॉल्व करते हैं, तो अगर कोट लगा दिए क्या गया कोट टेन इनवर्स 24 माइनस पाई 4, तो एक काम करो अब कोट थीटा को सोल्व करना, तो काम करो कोट की जगह पहले टेन लगा दो, उसका आंसर ऐसे पूर्ण कर देना, तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला टेन इनवर्स 24 माइनस 1 और 1 प्लस 24 × 1 आ गया, तो टेन लेने पे तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 23/25, तो टेन थीटा ही आ गया, इसको थीटा नाम दे दिया, तो कोट थीटा की जगह 25 आती, तो देन इसका सेकेंड ऑप्शन आपको फिल करना है। अगला क्वेश्चन क्या, देखो एक मैट्रिक्स सॉल्व करनी है आपको, एबीसी आर थ्री रियल नंबर सेटिस्फाइंग दी मैट्रिक्स ऑन दिस पार्ट देन 2a + b माइनस सी, काम करो इस रो को करोगे इस कॉलम से, तो क्या गया 3a + 3b + 2c इक्वल टू 3 आ जाएगा, अगली किसे किया तो क्या गया इसको इससे कर दे मल्टीप्लाई 4a + 2b फिर 0 = 0 आ गया, तो इससे तो आ गया 4a = -2b, तो देन b = आ गया -k2a। ऐसे जब थर्ड की बात करेंगे तो क्या जाएगा a + 3b + 2c = 1, अब देखो इसका बेनिफिट क्या है, ये दोनों सेम है, तो एक काम करो फर्स्ट में से थर्ड को कर दो सबट्रैक्ट, तो क्या आ गया 2a = 2, तो a आ गया बच्चों 1, a को 1 लोगे तो b - 2 आ गया, ये लो, और ए और बी को वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, तो ए को 1 लेने पे और बी को -2 लेने पे क्या जाएगा इसमें रिप्लेस कर दें, तो 3 - 6 + 2c = 3 आ गया, तो 3 से 3 कैंसिल, तो सी आ गया 3, ये लो, तो ए को 1 लोगे तो ए 2 आ गया, -2 आ गया और -3, तो इसका -3 आंसर हमको फिल करना है, क्या करना है बोलो माइनस, तो 86 का आंसर क्या आएगा बोलो -3। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 87, आपको 2 डिटरमिनेंट गिवन है (δ1, δ2), तो देन गिवन डिटरमिनेंट तो बताओ कौन सा रिलेशन सही है, तो देखो हम एक काम करते हैं पहले (δ2) को सॉल्व कर देते हैं, (δ2) तो क्या आ गया (x²-ab), (δ1) को सॉल्व कर देते हैं, तो (δ1) क्या होगा (x)(x²-ab) - (a)(ab) तो (bx-a²) क्या जाएगा बोलो (+b)(b²-ax) आ गया, तो फाइनली (δ1) क्या आ गया ध्यान दे, एक तो आ गया (x³) -abx - abx और -abx, तो -k3abx प्लस आ जाएगा (a³ - a³ + b³), तो (δ1, δ2) का स्क्वायर करने पे तो पावर 4 होगी, तो इक्वल हो नहीं सकता, फिर इसने डिफरेंशिएशन दे रखा (δ1) का (δ1/δx), तो यह जाएगा 3x²-3ab, 3 कॉमन,
देखो ये जो वैल्यू है इससे कंपेयर करने पे 3 आ गया, तो ये आ गया 3 delta 2, देन इसका सेकंड ऑप्शन आपको फिल करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन गिवन है f(x) इफ a को बीच द रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f(x), मतलब इस f(x) में फ्रैक्शनल पार्ट लगा दो आप, तो फ्रैक्शनल पार्ट लेने पे क्या होगा, ये आ गया 3 फ्रैक्शनल पार्ट x -2 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट x, इसकी रेंज है a टू b। फिर आगे की बात बाद में करते, तो काम करो इसकी रेंज के लिए क्या करें, ये फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस बने तो काम करो इस -2 को लिख दो +3 -5, तो जब सेपरेट डिवाइड करोगे इससे तो कर दो सेपरेट डिवाइड, तो 3 आ गया और ये आ गया 5 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। तो क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज हम जानते हैं 0 से 1, तो 5 अपॉन मिनिमम मैक्सिमम और 3 माइनस मैक्सिमम मिनिमम, तो 0 लेने पे तो ये 0, तो -2 इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और 1 लेने पे 5/2 तो 1/2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ओपन ब्रैकेट। तो ए तो आ गया -2 और बी आ गया हाफ, तो चलो ए तो आ गया -2 और बी आ गया हाफ। अब इसके अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या करना है। अब क्या बोला गया, एक मैट्रिक्स है ए ऑफ आई जे 2×2 की, जिसके ऑल एलिमेंट आर फिलिंग ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब जो ए ऑफ आई जे है उसकी वैल्यू क्या होगी, ए को -2, ए को -2 हाफ 4 और 1/4 ले सकते हैं, सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट बोलेगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर डिस्टिंक्ट, देन लीस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो लीस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू वो क्या हो सकती थी, काम करो इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, ए 1 ए 2 माइनस, देखो इसमें थोड़ा सोचने वाला पार्ट है कि इसकी पेयरिंग कैसे करें, लीस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब जो पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव है तो भी मोड लगा देना है, तो देखो इसकी वैल्यू नेगेटिव में पॉजिटिव किसी में करो क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा, मोड आने के बाद दोनों वैल्यू वाइस वर्सा होंगी क्योंकि ये सिमेट्री से एलिमेंट की बने, तो एक बात सुनो, अगर इसको आप -2 ले लेते हो और इसको हाफ, इसको 4, इसको 1/4, तो ये कितना आ गया -2, मतलब -2 का मोड 2 आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या हुआ ध्यान देना, इवन कभी नहीं आ सकता क्योंकि अब किसी को किसी से मल्टीप्लाई कर दो, इनकी पेयरिंग करने के अलावा जब और किसी की पेयरिंग करोगे तो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही आएगी, ध्यान देना, सॉरी 2 से ग्रेटर, तो देन इसका केवल 2 ऑप्शन ही फिल करना है, ठीक है। ये कह रहा है डेल्टा एक्स गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा 0, मतलब डिटरमिनेंट निकाल के उसका डैश और डबल डैश में 0 रख के वैल्यू बतानी, तो बताओ उसमें थीम क्या थी, देखो इसमें कॉस एक्स कॉमन आ रहा है, इसमें साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ, एक साइन कॉमन आ गया एक कॉस, तो क्या बच जाएगा 1 2c 4c स्क्वायर, इधर 1 1 तो लिखना है, फिर 2c 3 - 4s स्क्वायर, और ये 2c + 1 एज इट इज, और ये 2c + 1 का होल स्क्वायर एज इट। अब क्या करते हैं इसमें अपन एक बार रिप्लेसमेंट लगा दो, c1 - c2 एंड c2 - c2, तो पता से क्या होगा, ये 0 बन जाएगा और ये 0, फाइनली इसमें 2 रो 0 बन जाएगी, तो जाएगा ये लास्ट टर्म को बाद में लिख लेना अभी कोई जरूरत नहीं है, तो जाएगा x²sc(0, 0, 1), ये 0 आ गया, और ये कितना आएगा ध्यान दो, इसमें इसमें माइनस किया तो कितना जाएगा -3 आ जाएगा, माइनस करने पे 4c² और प्लस 4s² सॉरी 1 हो जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो 1, और इसमें से इसको माइनस करने पे चलो कुछ भी आओ उससे मतलब नहीं है, इसमें से इसको माइनस करने पे -1 आ गया और आ गया 2c + 1, तो फाइनली होगा क्या, जब इसको सोल्व करोगे आप तो इस 0 के अलावा सॉरी इसको 1 के अलावा ओपन करने पे क्या होगा 0 ओनली 1, मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो आपका डेल्टा एक्स आ गया x² sin cos - k this part, क्या आ गया x² sin cos - k this part।
आप कर सकते हो। तो हमारे पास आ गया डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, साइन कोस के लिए क्या करो, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, तो साइन टू एक्स बन गया, माइनस के टेन कोस एक्स माइनस के टू, ये लो। ज्यादा ज्यादा एक काम कर सकते हो, इन दोनों में एक्स कॉमन ले सकते हो आप, थोड़ा गुणावाक सिंपल करने हैं तो इसका डेल्टा एक्स आ गया एक्स का कॉमन, वन बाई टू साइन टू एक्स माइनस वन, सॉरी माइनस के टू माइनस के टेन कोस एक्स। अब इसका एक बार करते हैं डिफरेंशिएशन, तो डेल्टा एक्स कितना जाएगा, इसको करोगे फर्स्ट इनटू सेकंड से, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन टू एक्स का जाएगा कोस टू एक्स इंटू टू, तो कट गया टू, तो आ गया ओनली कोस टू एक्स, इसका जीरो। फिर इसका किया तो क्या गया टू एक्स, ब्रैकेट वाला पार्ट एज इट इज, तो वन बाई टू साइन टू एक्स माइनस के टू, और यह आ जाएगा माइनस टेन साइन एक्स। ठीक है, इतना आने के बाद आप क्या करना है, एक बार डेल्टा जीरो रख लेते हैं, तो डेल्टा एस में जीरो पुट किया, तो जीरो पे देखो क्या होगा, ध्यान दो ये जीरो बन गया, ये भी जीरो, और ये, तो फाइनली डेल्टा डैश जीरो हो जाएगा। अब डबल डैश में क्या करोगे, एक बात समझो, डबल डैश करने पे इसको एज इट इज कोस के में साइन आएगा तो जीरो पे जीरो बन जाएगा, और इसका किया तो ये जीरो। हमको बेनिफिट कहाँ होगा, जब आप इस एक्स का करोगे और एक इसका, क्योंकि एक्स का करोगे तो वन, तो इससे वैल्यू मिलेगी, अगर इसको एज इट इज उसका किया तो एक्स जीरो हो जाएगा, तो केवल एक्स का कर देते हैं, तो इससे करने पर क्या आएगा टू ब्रैकेट वाला पार्ट एज इट इज और माइनस के टेन कोस एक्स। तो अब इसमें जब एक्स को जीरो लोगे तो ये तो जीरो बन जाएगा, जीरो पे ये जीरो, तो माइनस टू और कोस साइन एक्स का किया, सॉरी हमने गलती कर दी, कोस का करोगे तो प्लस टेन एक्स, तो बन जाएगा प्लस कोस एक्स, तो कोस जीरो बन, तो टेन माइनस फोर, तो इसका सिक्स आंसर आपको फिल कर देना। ठीक है, ये क्या करें, एक फंक्शन के में बताओ जीरो पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा कि डिसकॉन्टिन्यूस, ये नॉन डिफरेंशियबल, तो एक काम करो इसमें एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू क्या देखिए जीरो। अब हम इसमें इसकी एल एच डी आर एच डी चेक करेंगे, सॉरी एल एच एल आर एच एल, तो इसमें फाइनली होगा क्या, ध्यान दे सभी, अब प्लस लो या माइनस, ये आगे एक्स है, एक बार क्या होगा जब जीरो प्लस लोगे तो वन अपॉन जीरो प्लस प्लस इन्फिनिटी, तो ये बनेगा ई की पावर इन्फिनिटी माइनस तो अपन को पता है कि इन्फिटी बाई इन्फिटी फॉर्म है, तो ये इन्फिटी कॉमन लोगे तो इसकी वैल्यू वन बन जाएगी, जीरो माइनस लोगे तो इसे रिवर्स होके क्या दे देगा माइनस वन, मतलब अल्टीमेटली, लेकिन आगे एक्स है तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो जीरो इक्वल जीरो, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस तो होगा, लेकिन इसकी एल एच डी आर एच डी में आपको क्या करना पड़ेगा, एल एच डी आर एच डी में एक बार आप एल एच डी का फॉर्म लगाओगे, एक बार आर एच डी का, तो चलो अपन इसमें एल एच डी की बात कर लेते हैं, आर एच डी की, तो हमने आर एच डी का फॉर्मूला लिखोगे लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, मतलब आ जाएगा एफ ऑफ एच अपॉन एच, एफ ऑफ जीरो जीरो है तो आ गया ई वैल्यू रखोगे एच एफ ऑफ एच में, तो एच कैंसिल, तो आ गया ई की पावर वन अपॉन एच माइनस ई की पावर एच, इसमें पॉजिटिव है। जब आप आर एल एच डी की बात करोगे तो ध्यान दो एफ ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच, तो एफ ऑफ माइनस एच में क्या हो गया माइनस एच आके इसको कैंसिल आउट कर देगा और ये आ जाएगा ई की पावर माइनस के वन वाई एच, अब आप ध्यान दें एच हमारा जीरो पॉजिटिव होता है इसमें ध्यान दें, तो जीरो पॉजिटिव पे ये वैल्यू अलग होगी और ये वैल्यू अलग, क्योंकि तो दोनों में रिवर्स है, एक प्लस वन तो दूसरी माइनस वन, तो फंक्शन जीरो पे नॉन डिफरेंशियल होगा, तो इसका सेकंड ऑप्शन आपको फिल करना है। अगला क्वेश्चन सिंपल है, एफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ये फंक्शन एक इस कंडीशन को फॉलो करता है, तो बताओ
एफ ऑफ रूट फाइव क्या होगा? तो बच्चे क्या करते हैं इसमें, जब अपने एक्स को सब कुछ करेंगे हम, जब इसमें एक्स को रूट फाइव पुट करेंगे तो बेटा क्या होगा, ये जीरो इक्वल टू जीरो आ गया, मतलब इसको सेटिस्फाई कर गया। तो फिर क्या करें, तो आप क्या करो, फंक्शन इस इक्वेशन से एफ एक्स की वैल्यू करोगे फाइंड आउट। तो इन दोनों में जब एफ एक्स कॉमन लोगे तो आ गया, हमने क्या किया, एफ एक्स कॉमन लेके उसको उधर शिफ्ट कर दिया, तो एफ एक्स कॉमन लेने पे जाएगा रूट फाइव माइनस एक्स, तो आ गया एफ एक्स इंटू, तो उसको अपॉन हो जाते रूट फाइव माइनस एक्स, और न्यूमेटर में क्या जाएगा, दिस रिमेनिंग पार्ट एक्स क्यू माइनस के रूट फाइव प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव माइनस टू इंटू एक्स। अब ध्यान देना, रूट फाइव जब इसमें एक्स को रूट फाइव पुट करोगे तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगी, तो आप क्या लगा देना, एल लॉपीटर लो, और फिर एक्स को रूट फाइव पुट करोगे तो सॉल्व करने पर आंसर जाएगा इसका रूट फाइव माइनस थ्री। ठीक है, तो जब भी कोई इक्वेशन गिवन हो और उसमें एक्स को पुट करने पे जीरो इक्वल टू जीरो आ गया, इसका मतलब आप क्या करो, फंक्शन करो फाइंड आउट, और उस फंक्शन में जब वैल्यू पुट करोगे तो ऑलवेज क्या बनेगी, जीरो बाई जीरो, इसका मतलब आपको डी एल रूल लगाना है, एल ऑपिटर लू। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फंक्शन एफ एक्स आपका पाई बाई टू पे कंटिन्यूस होता है, ए क्या होगा, तो एक काम करो एक बार पाई बाई टू इसमें रख दो एक बार इसमें, क्योंकि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, तो कोस पाई बाई टू जीरो, कोस इनवर्स जीरो क्या होता है पाई बाई टू, इधर भी पाई बाई टू रख दो, तो स्टेप पाई बाई टू 1.5 का स्टेप वन, तो आ गया ए इंटू, तो ए आ जाएगा पाई अपॉन टू इंटू पाई माइनस वन, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपको फिल करना, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला देखो, एक फंक्शन गिवन है और ये बोला गया कि फंक्शन आपका माइनस वन पे कंटिन्यूस होता है, ए और बी क्या होंगे, तो वही सेम ऑप्शन, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो एल एच एल आर एच एल के इक्वल होगा, तो एफ ऑफ माइनस वन प्लस इक्वल टू एफ ऑफ, तो देखो माइनस वन से जस्ट बड़ी वैल्यू इसमें पुट करोगे तो क्या जाएगा, बी ब्रैकेट में माइनस वन से जस्ट ग्रेटर का मतलब माइनस, जैसे लेट ये माइनस वन है, माइनस वन से जस्ट ग्रेटर इधर होगा ना, तो उसका स्टेप क्या होता है, माइनस वन का स्क्वायर इज वन, और ये माइनस वन आ गया, प्लस वन इक्वल टू माइनस वन से लेस, तो ये माइनस वन आ जाएगा, तो क्या जाएगा, साइन माइनस पाई प्लस ए पाई, तो कट पिट के क्या गया, वन इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो तो माइनस लगा दो बार, तो साइन पाई माइनस ए पाई, तो साइन ए पाई आ गया, ये लो साइन की वैल्यू माइनस में नीचे की तरफ आती है, तो क्या आ गया, ए पाई इक्वल टू आ गया फोर एन प्लस थ्री पाई बाई टू, पाई से पाई कट गया तो ए कितना आ गया, टू एन प्लस थ्री बाई टू, बी इसमें कोई भी रियल नंबर हो सकता है क्योंकि बी कैंसिल आउट है, तो इसका 2n plus 3 by 2, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही आपको फिल करना। ठीक है, एक फंक्शन गिवन एफ एक्स हैज लोकल मिनिमा मैक्सिमा एट 1, मैक्सिम वैल्यू 1 एट 3, देन दिस, मतलब इस फंक्शन की जो मैक्सिम वैल्यू है वो कितनी है, 1 एट कब 3 पे, इसका मतलब हमको एफ ऑफ 3 1 गिवन है, तो एक रिलेशन तो इससे आ गया, तो एफ ऑफ 3 कितना जाएगा, 3a plus b upon 8 इक्वल टू 1, मतलब रिलेशन आ गया सिंपल 3a plus b इक्वल टू 8, और अगर 1 पे लो x इक्वल टू 3 पे लोकल मैक्सिमा है, इसका मतलब f डैश 3 आप कर दो 0, तो इसका डिफरेंशिएशन एक काम करो मल्टीप्लाई करके करो ज्यादा बेटर है, इसको लिख दो आप x स्क्वायर माइनस 1 इंटू fx इक्वल टू ax plus b, क्योंकि f डैश x ही तो चाहिए हमको, तो f डैश x कर दो, तो क्या जाएगा फर्स्ट इंटू, तो ये आ गया 2x इंटू एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू, जब x को 3 लोगे तो f डैश 3 जीरो है, तो जीरो हो गया, तो क्या आ गया 2 8 f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू a, तो a आ गया 8, और a को 8 लोगे तो p आ गया माइनस के 16, तो उसने क्या पूछा है a, ए कितना 8, कुछ गड़बड़ी कर दी, दोबारा देखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन टू एक्स एफ एक्स एफ ऑफ 3 1, सॉरी 3 तो 6 होगा ना, 3 और 2 6, एक्स को 3 लोगे तो क्या आ गया 6, तो ए 6 आ गया,
तो b आ जाएगा माइनस के 10, तो b माइनस 10 आ गया और a 6 आ गया, तो 6 माइनस 10 तो प्लस 16, तो इसका थर्ड ऑप्शन फेल करना है। नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन दिस पार्ट, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है, जहां एबडेसेक जीरो हो और एबडेसेक डज नॉट एग्जिस्ट, तो क्या करें, इसका कर देते डिफरेंशिएशन फर्स्ट इनटू, इसको फर्स्ट लेट करो इसको सेकंड, तो इसका एबडेसेक क्या क्या फर्स्ट फंक्शन है जेटे, तो एक्स माइनस टू की पावर 2/3 है जेटे, और 2x फंक्शन का क्या गया 2, तो इनटू में 2 लगा दो, प्लस फर्स्ट का किया तो पहले पावर को आगे ले गए 2/3 इनटू 1 अपॉन एक्स माइनस टू की पावर 1/3 और इनटू में आ गया एज इट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते तो क्या गया ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस टू, टू से किया तो 4x प्लस 2 और अपॉन में आ जाएगा, इसको 3 से भी कर दो तो 6 हो जाएगा, लो और आ गया 3 इंटू, अब देखो होगा क्या 6x माइनस 4 10x माइनस 10, तो एफडेस x को जब 0 करोगे आप तो इससे x इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब 1 पे लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम होगा और 2 पे फंक्शन क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब जिस पॉइंट पे फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट हो और एफडेस x 0 उनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, इसके दो क्रिटिकल पॉइंट है 1 एंड 2, तो इसने पूछा नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, इसके 2 आंसर्स आपको फिल करने हैं, ठीक है। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, रॉल्स थ्योरम का मतलब क्या, फंक्शन आपको उस इंटरवल में कंटीन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल, दोनों पॉइंट पे वैल्यू सेम और एफडेस एक्स को जीरो करने पे जो सी है वो उस ए टू बी के बिटवीन होना चाहिए, ध्यान दो इसमें 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 12 माइनस 2 10 आ गया और 3 का स्क्वायर तो अलग अलग आ रहा था गलत हो गया, 0 पे 1, इसमें एफ ऑफ एफ बी इक्वल है लेकिन 1 पे फंक्शन क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल, तो इसलिए गलत हो गया। सिग्नम एक्स का मोड, सिग्नम एक्स का मतलब ऑलरेडी क्या होता है मोड एक्स अपॉन एट, हाँ सिग्नम फंक्शन 0 पे क्या होगा नॉन डिफरेंशियबल, तो ये भी गलत, तो इसका यही आंसर सही है, ये 1/3 से 3 में कंटिन्यूस भी है डिफरेंशियबल भी है, और इसका जब एफ डेस एक्स करोगे आप तो इसका एफ डेस एक्स कितना जाएगा 1 - 1/x2, तो ये 1 पे 0 आ गया, यस सर, और 1 इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपको फेल करना है। डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द नॉर्मल टू द कर्व दिस पार्ट, इस कर्व के एट एक्स इक्वल टू 0 पे क्या पूछेगा ओरिजिन से नॉर्मल की डिस्टेंस, तो नॉर्मल के लिए पहले तो एक काम करो एक्स को 0 लेने पे क्या आ गया वाई 1 आ गया, इसका वाई डेस क्या आएगा 2e2x + 2x, तो पहले 0 पे टेंजेंट क्या होगी वाई डेस 0 2 आ जाएगी, टेंजेंट का स्लोप पता है पॉइंट पता है, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी y - 1 = नॉर्मल का स्लोप क्या होगा -1/2 x - 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया x + 2y, एक तरफ ले आया मैं साथ के साथ -2 0, तो 0 0 से डिस्टेंस क्या होगी 2 का मोड अपॉन √5, तो 0 0 पुट कर, ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन, देख सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, लेट px बी फिफ्थ डिग्री पॉलीनोमियल सच दैट px एक फिफ्थ डिग्री का पॉलीनोमियल है, जो क्या बोला गया कि px + 1 आपका x - 1 के क्यूब से डिविजिबल है, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन देखना, अगेन क्या बोला गया है px - 1 x + 1 के क्यूब से डिविजिबल है, इसका मीनिंग क्या ध्यान देना, इससे x की 3 वैल्यू मिलेंगी 1 1 1, इसका मतलब ये 3 बार डिविजिबल हो गया इससे, इसका सीधी बात ये समझो अगर ये पॉलीनोमियल से डिविजिबल, इसका मतलब इसमें x - 1 का क्यूब को मनाना चाहिए, द x - 1 इसका 3 बार रिपीटेड रूट है, और सिमिलरली इसमें x + 1 इसका 3 बार रिपीटेड रूट है, इसका मतलब अगर कोई वैल्यू किसी फंक्शन की रिपीटेड रूट से, इसका मतलब डैश 0 होता है, जैसे fx = 0 के दो रूट हैं अल्फा अल्फा, तो एफ ऑफ अल्फा 0 और एफ डैश अल्फा 0, अल्फा 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 इसका मतलब एफ ऑफ अल्फा 0 डैश 0 डबल डैश 0, तो इसमें क्या करेंगे एक बार तो इसको जी एक्स मान लेते हैं अपन px + 1, तो 1 रखने पे एक तो p ऑफ 1
प्लस वन जीरो आ गया, तो इससे तीन रूट मिलेंगे। एक तो हो जाएगा पी ऑफ वन इज माइनस वन, डैश किया तो पी डैश वन जीरो और पी डबल डैश वन जीरो। इससे क्या होगा, पी ऑफ माइनस वन आ जाएगा आपका, पी डैश माइनस वन आपका जीरो हो जाएगा और पी डबल डैश माइनस वन आपका क्या जाएगा बोलो, जीरो। वैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना, ये फंक्शन आपका फिफ्थ डिग्री का पॉलीनोमियल है और वन कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो पता है ये ऑड फंक्शन है, वो इस प्रॉपर्टी को 100% फॉलो कर रहा है, ध्यान देना। पी ऑफ वन पी ऑफ माइनस ये जीरो आ गया, अल्फा और बीटा पे वैल्यू का सम आपका प्लस माइनस आ रहा है, इसका मतलब आपको समझ सकते हो ना, पी ऑफ एक्स एक फंक्शन माना आपने, ध्यान दो, पी एक्स एक फंक्शन मानोगे, उस फंक्शन को मानने के बाद मतलब पी एक्स प्लस पी ओ माइनस एक्स जीरो आ गया, तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, ध्यान देना। और इसमें इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू वो हमेशा जीरो होगी। आप एक काम करो, पी एक्स डिग्री फाइव का पॉलीनोमियल मान लो, तो पी एक्स में वैल्यू पुट करोगे तो उसमें कांस्टेंट टर्म की आ जाएगी जीरो, तो ये डिग्री फाइव का पॉलीनोमियल भी है और उसमें कांस्टेंट टर्म उसकी जीरो है। इसमें जो मुद्दे वाली बात है वो क्या होगी, मतलब इतनी बातें क्यों दी गई, तो इसमें एक पता चल चुका है, इस जो पॉलीनोमियल है पी एक्स है उसकी कॉन्स्टेंट टर्म हमारी जीरो है, ध्यान देना, ये लिख नहीं सकता मैं ई जीरो जो भी है। अब देखो जो पी एक्स है उसका डबल डैश वन जीरो है, डबल डैश माइनस, इसका मतलब क्या है, पी एक्स अगर पावर फाइव का है तो डबल डैश एक क्यूबिक फंक्शन है, तो उस क्यूबिक फंक्शन के एक रूट तो वन है एक रूट माइनस वन है, तो मैंने काम किया इस क्यूबिक फंक्शन को मैं रीराइट कर सकता हूं, ध्यान देना बस यही इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम इस क्यूबिक फंक्शन को लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू, एक अलग ही फॉर्मेट है, ए ऑफ एक्स माइनस वन का क्यू, बी ऑफ एक्स प्लस वन का क्यू प्लस सी, ये ऐसे मान लीजिए डबल पी डबल डैश सॉरी, तो देखो हाँ ये तो लिखना नहीं है सॉरी, जीरो मानना है, क्यूबिक है तो इसका एक रूट वन है और एक रूट माइनस वन है, क्यूब लगा दिया कि ताकि उसके अकॉर्डिंग आ जाना चाहिए। अब आप क्या करना, एक बार इसका कर देना इंटीग्रेशन, तो इससे जाएगा ए बाई फोर एक्स माइनस वन की पावर फोर प्लस बी बाई फोर, अब लगा देना सी। अब आपने एक लाइन लिखी थी अभी पी डैश वन जीरो और पी डैश, आप इन दोनों वैल्यू को पुट करोगे तो आपको ए और बी दोनों इक्वल मिल जाएंगे, ठीक है ना, पहले ए और बी इक्वल कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ए और बी इक्वल आने के बाद फिर इसका कर देना डब एक बार इंटीग्रेशन और, तो पी एक्स क्या जाएगा, ठीक है, उससे करने के बाद बेनिफिट सीधी सीधा ये होगा कि जो पी एक्स फंक्शन है वो एक ऑड फंक्शन होगा, कॉन्स्टेंट टर्म उसकी जीरो होगी और कॉन्स्टेंट टर्म जीरो होने के बाद उसमें जो एक्स की पावर फाइव है एक्स क्यूब और एक्स यही प्रेजेंट होगा, उसमें इवन पावर प्रेजेंट नहीं होगी, ध्यान देना। और अगर उसमें इवन पावर प्रेजेंट नहीं है तो आप खुद समझ सकते हो, अगर पी एक्स एक ऑड फंक्शन है और कॉन्स्टेंट टर्म डज नॉट प्रेजेंट, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या जाएगी, जीरो, तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपको फिल करना है। अगला क्वेश्चन सिंपल है, जो एक्स पे इक्वल टू वन आपका क्या नॉर्म रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसके पॉइंट टू कॉमा वन पे आपने क्या ड्रॉ की, नॉर्मल, ये लो ये नॉर्मल ड्रॉ की, तो कह रहा मीट दी कर्वे ने गेट पॉइंट क्यू, इसको इस पॉइंट क्यू पे जाके मीट करती है। इफ दी एम इज दी स्लोप ऑफ कर्वेट, इस पे दोबारा क्या ड्रॉ करेंगे अपन टेंजेंट, तो उस टेंजेंट का स्लोप एम है तो मोड एम बताओ, कुछ नहीं करना आप एक काम करना, ये पॉइंट पता है तो पहले कर्व का करना डिफ्रेंशिएशन, वाई इक्वल टू आ गया वन वाई एक्स, तो इसका वाई डैश क्या जाएगा माइनस के वन वाई एक्स स्क्वायर, तो देन आपके टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा वाई डैश हाफ माइनस फोर, ठीक है, ये लो टेंजेंट का स्लोप आ गया, तो आप लिख लेना पहले नॉर्मल का स्लोप, ध्यान देना सभी, इस पे टेंजेंट है जो भी है, नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा, तो आप नॉर्मल की इक्वेशन लिखोगे वाई माइनस हाफ इक्वल टू वन बाय फोर एक्स माइनस टू, ठीक है। अब इस विद इन एक मिनट लगेगी, इस नॉर्मल की इक्वेशन को आप एक्स पे इक्वल टू वन के साथ क्या कर देना सॉल्व, तो आपको क्यू पॉइंट मिल जाएगा
और क्यू पॉइंट को जब दोबारा इसमें रिप्लेस करोगे तो इसका आंसर आ जाता है 64, टेंजेंट का स्लोप 64, ठीक है। तो इस तरीके से करना हो जाएगा सॉल्व। और उसके बाद इसका देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे करना है। ये कह रहा है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन माइनस स्टेप के अंदर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, जिसमें एन बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो ध्यान देना सभी, एक लाइन लिखी जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन है इसकी जो रेंज है पता क्या होगी। एक बार बताओ अगर इसमें एन की जगह टू एन मान लें तो ये वैल्यू ऐसे लिख सकता हूँ मैं एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन, इससे बड़ा होगा। और अगर इसमें से ही हटा दें तो वह एन स्क्वायर के स्टेप से छोटी होगी, तो ये रूट एन मतलब एन से बड़ी होगी वैल्यू। फिक्स दें एन को कोई भी नेचुरल नंबर हो तो एन प्लस वन को हटा दिए तो एन स्क्वायर का रूट एन, तो एन से ग्रेटर होगी और ये आ गया एन प्लस वन। तो ये वैल्यू एन से एन प्लस वन के बिटवीन होगी, एन इंटीजर है, इसका मतलब इसका स्टेप क्या जाएगा बोलो, जब इसका स्टेप लोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी एन, तो ये एन आ गया। अब क्या करना है, इसका कर देना रैशनलाइजेशन, तो इसके प्लस से कर देना मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी बाद में, अभी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। तो यह एक काम कर सकते हो, इसमें एन स्क्वायर कॉमन लेके लगा देना बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो सोल्व करने पे इसकी वैल्यू 1 बाई 2 हो जाएगी, तो देन इसका सेकंड ऑप्शन फिल करना। मेन थीम ये थी कि इस स्टेप की वैल्यू आपको एन रखनी है, बाकी आगे तो आप रैशनलाइजेशन से कर सकते हो या फिर इसमें से एन स्क्वायर कॉमन लेके 1 प्लस एक्स की पावर एन के बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन को यूज भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन फिल करना बेटा, थैंक यू।